बदल गया है, अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। गाइस, होशियार रहना। रोश अटैक। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप निर्विन की हर चेष्टा अधिकारी की फैन हो और मारी विलेन गोकू रंगल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। होम समाचार मैरी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गायत्री कृष्णा की 31 अगस्त 2022 को मलयालम फिल्म मारी विलेन गोकू रंगल जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अरुण बोस ने इस फिल्म का निर्देशन किया कि जिसमें इंद्रजीत कुमारन, रीति रामचंद्रन, सरजनो खालिद और विंसी सोनी एलेसियस मुख्य भूमिकाओं में हैं। मैरी विलेन गोकू रंगल डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा। 10 मई को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सितंबर के मध्य या आखिरी हफ्ते में उपलब्ध होगी। मरी विलेन गोकू रंगल समीक्षा इंद्रजीत अभिनीत एक मानक फेयर गुड फेम है, न ज़्यादा न कम। नागेंद्र ही हनीमून डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध होने वाली पनीकर की तरह निर्देशित इस वेब श्रृंखला में मुख्य अभिनेता सूरज बेजरा मुंडू है। नागेंद्र की हनीमून की महत्वपूर्ण हिस्सों में ग्रेस, एंटनी काने, कुछ रोटी, रेता मेनन, अल्फी पंजीकरण और निरंजना अनूप हैं। फिल्म की ट्रेलर में समकालीन रिश्तों की बदलती गतिशीलता की खोज का सरदम दिया गया। सरजानो खालिद और विशेष सोनी एलेसियस ने रोनी और मीनाक्षी की भूमिका निभाई, जो प्यार में है और माता पिता बनने वाले, जबकि सीनू और सेरिनी क्रॉमस इंद्रजीत सुकुमारन और रीति रामचंद्र विवाहित जुड़े हैं। उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते और वे शादी और प्यार को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब वादा वाला सीनू और सेरिन के साथ रहते OTT प्ले की समीक्षा के अनुसार मरी विलेन गोकू रंगल एक फील मूड मूवी है जो बहुत ज़्यादा
खोजबीन किए बिना सिर्फ एक सुरक्षित फॉर्मूले पर टिके हुए। फिल्म के सहायक कलाकारों में सलीम कुमार, बिंदु पनेकर, साई कुमार और जानी एंटनी शामिल। फिल्म की पटकथा, निर्देशन और प्रमोद मोहन ने लिखी है। इस फिल्म के लिए विधा सागर ने साउंडिक तैयार किया है। मृवलिन गोपुरंगल के निर्देशन। अरुण बोस का कहना है कि इस शैली में फिल्म बनाना आसान नहीं है। एक्सलेस की शेयर करें और समीक्षकों के लिए नकारात्मक के मूवी रिव्यू किया गया था और मृवलिन गोपुरंगल के लिए समीक्षकों के नकारात्मक किया गया था। इंद्रजीत के लिए ही समीक्षकों के नकारात्मक और दोनों के लिए ही मृवलिन गोपुरंगल की समीक्षकों की मृवलिन गोपुरंगल। अरुण बोस की तरह निर्देशित 224 की भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है। कहानी अरुण बोस और प्रमोद फिल्म है। कहानी अरुण बोस प्रमोद मोहन की तरह लिखी गई थी। इसमें इंद्रजीत सुकुमार, रीति रामचंद्रन, सरजानू खारिद और विंसी की एडेसियस शामिल है। इसे 10 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 के अंत में शुरू हुई और जून 2023 के अंत में समाप्त हुई। फिल्म संगीत विधा सागर ने दिया। छायांकन श्याम प्रकाश एस के द्वारा किया गया था, जबकि स्पार्क सेजर वीपी पीवी और अरुण बोस की तरह किया गया था। सेंटू और सेरिन एक विवाहित जोड़े जिनकी कोई संतान नहीं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब सेंटू का भाई रूनी अपनी गर्भवती प्रेमिका मीनाक्षी के साथ उनके घर आते हैं, जिसे अराजकता और अप्रत्याशित आशीर्वाद दोनों आते। मुख्य फोटोग्राफी 24 अप्रैल 2023 को कोची में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इंद्रजीत सुकुमारन 29 अप्रैल 2023 को वरुण जी पनेकर की नजन कड़ंथा सिरई ई की शूटिंग पूरी करने के बाद स्टेट पर शामिल हुए। फिल्म का जून 2023 के अंत में पूरा हुआ। संगीत विराज सागर की दरअ रचा गया था, जबकि गीत विनायक शिव कुमार की दरअ लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार म्यूजिक 24/7 की द्वारा हासिल किए गए थे। खबरें थी कि फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज होगी। विदेशी वितरण अधिकार देश राज फिल्म और प्ले फिल्म को बेच दिए गए। इंद्रजीत का जन्म 7 दिसंबर 1979 को अभिनेता सुकुमारन और मल्लिका सुकुमारन के बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनकी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेता। इंद्रजीत की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा रायनगर करनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी नगर चेन्नई और सेंट जोसेफ की बॉयज स्कूल कन्नूर में हुई, क्योंकि उसका समय परिवार तमिलनाडु में बस गया था। बाद में जब परिवार केरल में स्थानांतरित हो गए तो उन्होंने अपनी शिक्षा द NSS पब्लिक स्कूल पिरुथनी से मैरी रेजिडेंशियल सेंट्रल स्कूल पूजापुरा से की। उन्होंने अपनी बाकी स्कूल शिक्षा अपने भाई पृथ्वीराज के साथ सैनिक स्कूल कजहाकूटम में पूरी की। वहां पढ़ाई के दौरान वह टेनिस टीम के कप्तान थे। उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। उन्होंने तिरुनेलवेली जिले की राजांश इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और जब उन्होंने फिल्म करियर में प्रवेश किया तो वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रेक्षक के रूप में काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में व्यस्त हो गए। उन्होंने 1986 में मलयालम फिल्म पदानी में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें लाल जोश की तरह निर्देशित ब्लॉक पोस्टर मीसा माघवन में उनकी खलनायक भूमिका इपेन पप्पा जी के लिए जाना गया। उन्होंने अनवर रसीद की छोटा मुंबई और साजी कैलाश की बाबा कल्याणी में मोहन लाल के साथ अभिनय किया। बाबा कल्याणी की में खलनायक के रूप में उनकी अभिनय को आलोचकों की तरह सराहे गए। उन्होंने फिल्म बेसर में ममूटी के साथ अभिनय किया। उन्होंने लाल जोश की फिल्म अरबी कथा और संतोष श्रीवन की बिफोर द रेंस में भी अभिनय किया। उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ कई फिल्मों में जोड़ी बनाई, जिसमें 26 की हिट फिल्म क्लासमेट्स में शामिल है। उन्होंने पज हस्ती राजा 29 की सफलता के बाद MT वासुदेवन नायर की दरअ लिखित हरिहरन की फिल्म इज़्ज़ते वरु में विनीत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। मनीष रोमनाथ की दरअ निर्देशित उनकी
पहली हिंदी फिल्म द वेटिंग रूम जनवरी 2010 में रिलीज हुई थी। उन्होंने जोजो जेल के साथ 22N की फिल्म, मधुरम जयसूर्या के साथ 2016 की फिल्म, प्रथम आसिफ अली के साथ 27 की फिल्म संडे हॉलीडे और ट्वेंटी के साथ 22N की फिल्म काने काने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जया के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई। 2019 की तेलुगु फिल्म डियर कॉम्रेड में उन्होंने 2019 में जयसूर्या के साथ फिल्म अन्वेषण में भी अभिनय किया। अपने पति फ्रांसिस थॉमस के साथ रुति ने एंथोलॉजी फिल्म पूतम पोरुकलई के लिए इलमल इदो इंडोखंड लिखो जो 22 में रिलीज हुई। रीति ने मगुरा में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य क्रिटिकल्स एसोसिएशन के द्वारा अभिनय उत्कृष्टता के लिए विशेष जूरी उल्लेख जीता। रीति ने रंजीत शंकर के द्वारा निर्देशित फिल्म कमला के लिए 22 में 37 डॉमिंग कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रीति रामचंद्र का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और बाद में वे कोची केरल चली गए। उन्होंने अपनी मोंटेसरी स्कूली शिक्षा लेडी आयनडाल वेक्टर सुब्बा राव स्कूल चेन्नई से की। बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिक से वरिष्ठ स्कूली शिक्षा द चॉइस स्कूल कोची में की। रीति एक प्रेक्षित वास्तुकार है जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन मैसूर से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने स्नातक के बाद उन्होंने ISSB बार्सिलोना से सेल्फ सफिशिएंट ब्लेडिगंस में मास्टर्स करने से पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरीविन की हर चेष्टा अधिकारी की फैन हो और मारी विलेन गोकू रंगल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। होम समाचार मैरी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गायत्री कृष्णा की 31 अगस्त 2024 को मलयालम फिल्म मारी विलेन गोकू रंगल जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अरुण बोस ने इस फिल्म का निर्देशन किया कि जिसमें इंद्रजीत कुमारन, रीति रामचंद्रन, सरजनो खालिद और विंसी सोनी एडेसियस मुख्य भूमिकाओं में हैं। मैरी विलेन गोकू रंगल डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा। 10 मई को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सितंबर के मध्य या आखिरी हफ्ते में उपलब्ध होगी। मरी विलेन गोकू रंगल समीक्षा इंद्रजीत अभिनीत एक मानक फेयर गुड फिल्म है, न ज्यादा न कम। नागेंद्र ही हनीमून डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध होने वाली पनीकर की तरह निर्देशित इस वेब श्रृंखला में मुख्य अभिनेता सूरज बेजरा मुंडू है। नागेंद्र की हनीमून की महत्वपूर्ण हिस्सों में ग्रेस एंटनी काने कुसरूति रेता मेनन अल्फी पंजीकरण और निरंजना अनूप हैं। फिल्म की ट्रेलर में समकालीन रिश्तों की बदलती गतिशीलता की खोज का सरदम दिया गया। सरजानो खालिद और विशी सोनी एलेसियस ने रोनी और मीनाक्षी की भूमिका निभाई जो प्यार में है और माता पिता बनने वाले, जबकि सीनू और सेरिनी क्रॉमस इंद्रजीत सुकुमारन और रीति रामचंद्र विवाहित जुड़े हैं।
उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते और वे शादी और प्यार को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब वादा वाला सीनू और सेरिन के साथ रहते OTT प्ले की समीक्षा के अनुसार मरिवली गोपुरंगर एक फेल मोड मूवी है जो बहुत ज़्यादा खोजबीन किए बिना सिर्फ एक सुरक्षित फॉर्मूले पर टिके हुए। फिल्म के सहायक कलाकारों में सलीम कुमार, बिंदु पनेकर, साई कुमार और जानी एंटनी शामिल। फिल्म की प्रकटन, निर्देशन और प्रमोद मोहन ने लिखी कि इस फिल्म के लिए विधा सागर ने सामग्री तैयार की है। मरिवलिन गोपुरंगल के निर्देशन अरुण बोस का कहना है कि इस शैली में फिल्म बनाना आसान नहीं है। एक्सलेस की शेयर करें और समीक्षकों के लिए नकारात्मक की मूवी रिव्यू किया गया था और मरिवलिन गोपुरंगल के लिए समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। इंद्रजीत के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही मरिवलिन गोपुरंगल की समीक्षकों की मरिवलिन गोपुरंगल अरुण बोस की तरह निर्देशित 24 की भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है। कहानी अरुण बोस और प्रमोद फिल्म है। कहानी अरुण बोस प्रमोद मोहन की तरह लिखी गई थी। इसमें इंद्रजीत सुकुमार, रीति रामचंद्रन, सरजानू खारिद और विंसी की एडेसियस शामिल है। इसे 10 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 के अंत में शुरू हुई और जून 2023 के अंत में समाप्त हुई। फिल्म संगीत विधा सागर ने दिया। छायांकन श्याम प्रकाश एस की तरह किया गया था जबकि स्पारन सैजल VP PV और अरुण बोस की तरह किया गया था। सेंटू और सेरिन एक विवाहित जोड़े हैं जिनकी कोई संतान नहीं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब सेंटू का भाई रूनी अपनी गर्भवती प्रेमिका मीनाक्षी के साथ उनके घर आते हैं जिसे अराजकता और अप्रत्याशित आशीर्वाद दोनों आते हैं। मुख्य फोटोग्राफी 24 अप्रैल 2023 को कोची में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इंद्रजीत सुकुमारन 29 अप्रैल 2023 को वरुण जी पनेकर की नजन कड़ंथा सिरई ई की शूटिंग पूरी करने के बाद सेट पर शामिल हुई। फिल्म का जून 2023 के अंत में पूरा हुआ। संगीत विराज सागर की तरह रचा गया था जबकि गीत विनायक सिंह कुमार की तरह लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार म्यूजिक 24/7 की द्वारा हासिल किए गए थे। खबरें थी कि फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज होगी। विदेशी वितरण अधिकार रेस राज फिल्म और प्ले फिल्म को बेच दिए गए। इंद्रजीत का जन्म 7 दिसंबर 1979 को अभिनेता सुकुमारन और मल्लिका सुकुमारन के बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनकी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेता। इंद्रजीत की प्राथमिक स्कूली शिक्षा रायन करनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी नगर चेन्नई और सेंट जोसेफ की बॉयज स्कूल कन्नूर में हुई क्योंकि उसका समय परिवार तमिलनाडु में बस गया था। बाद में जब परिवार केरल में स्थानांतरित हो गए तो उन्होंने अपनी शिक्षा NSS पब्लिक स्कूल पिरुथनी से मैरी रेजिडेंशियल सेंट्रल स्कूल पूजापुरा से की। उन्होंने अपनी बाकी स्कूल शिक्षा अपने भाई पृथ्वीराज के साथ सैनिक स्कूल कजहाकूटम में पूरी की। वहां पढ़ाई के दौरान वह टेनिस टीम के कप्तान थे। उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। उन्होंने तिरुनेलवेली जिले की राजांश इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और जब उन्होंने फिल्म करियर में प्रवेश किया तो वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रशिक्षु के रूप में काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में व्यस्त हो गए। उन्होंने 1986 में मलयालम फिल्म पदानी में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें लाल जोश की तरह निर्देशित ब्लॉक पोस्टर मीसा माघवन में उनकी खलनायक भूमिका इपेन पपची के लिए जाना गया। उन्होंने अनवर रसीद की छोटा मुंबई और साजी कैलाश की बाबा कल्याणी में मोहन लाल के साथ अभिनय किया। बाबा कल्याणी की में खलनायक के रूप में उनकी अभिनय को आलोचकों की तरह सराहा गया। उन्होंने फिल्म बेसा में ममूटी के साथ अभिनय किया। उन्होंने लाल जोश की फिल्म अरबी कथा और संतोष सिवन की बिफोर द रेंस में भी अभिनय किया।
उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ कई फिल्मों में जोड़ी बनाई, जिसमें 26 की हिट फिल्म क्लासमेट्स में शामिल है। उन्होंने पज हस्ती राजा 29 की सफलता के बाद एम टी वासुदेवन नायर की द्वारा लिखित हरिहरन की फिल्म इज़्ज़ते वरु में विनीत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। मनीष रोमनाथ की द्वारा निर्देशित उनकी पहली हिंदी फिल्म द वेटिंग रूम जनवरी 2010 में रिलीज हुई थी। उन्होंने जोजो जेल के साथ 22 की फिल्म मधुरम जय सूर्या के साथ 2016 की फिल्म प्रथम आसिफ अली के साथ 27 की फिल्म संडे हॉलीडे और 20 के साथ 22 की फिल्म काने काने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जया के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई। 2019 की तेलुगु फिल्म डियर कॉम्रेड में उन्होंने 2019 में जय सूर्या के साथ फिल्म अन्वेषण में भी अभिनय किया। अपने पति फ्रांसिस थॉमस के साथ रूती ने एंथोलॉजी फिल्म पूतम पोरुकलई के लिए इलमल इदो इंडोखंड लिखो, जो 22 में रिलीज हुई। रीति ने मगुरा में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य क्रिटिकर्स एसोसिएशन के द्वारा अभिनय उत्कृष्टता के लिए विशेष जूरी उल्लेख जीता। रीति ने रंजीत शंकर के द्वारा निर्देशित फिल्म कमला के लिए 22 में सर्वश्रेष्ठ डॉमिंग कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रीति रामचंद्र का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और बाद में वे कोची केरल चली गए। उन्होंने अपनी मोंटेसरी स्कूल शिक्षा लेडी आयनडार्न विक्टर सुब्बा राव स्कूल चेन्नई से की। बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिक से वरिष्ठ स्कूली शिक्षा द चॉइस स्कूल कोची में की। रीति एक पृथ्वी वास्तुकार है जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन मैसूर से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने स्नातक के बाद उन्होंने ISSC बार्सिलोना से सेल्फ सफी एंड ब्लेडिगंस में मास्टर्स करने से पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरी विंग की हर श्रेष्ठा अधिकारी की फैन हो और मारी विलेन गोकू रंगल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। होम समाचार मैरी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गायत्री कृष्णा की 31 अगस्त 2022 को मलयालम फिल्म मारी विलेन गोकू रंगल जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अरुण बोस ने इस फिल्म का निर्देशन किया कि जिसमें इंद्रजीत कुमारन रीति रामचंद्रन सरजनो खालिद और विंसी सोनी एरेसियस मुख्य भूमिकाओं में हैं। मैरी विलेन गोकू रंगल डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा। 10 मई को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती है। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सितंबर के मध्य या आखिरी हफ्ते में उपलब्ध होगी। मरी विलेन गोकू रंगल समीक्षा इंद्रजीत अभिनीत एक मानक फेवरेट फिल्म है, न ज़्यादा न कम। नागेंद्र ही हनीमून डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध होने वाली पनीकर की तरह निर्देशित इस वेब श्रृंखला में मुख्य अभिनेता सूरज बेजरा मुंडू है। नागेंद्र की हनीमून की महत्वपूर्ण हिस्सों में ग्रेस एंटनी काने कुछ रोती रेता मेनन अल्फी पंजीकरण और निरंजना अनूप है।
फिल्म की ट्रेलर में समकालीन रिश्तों की बदलती गतिशीलता की खोज का सरदम दिया गया। सरजानो खालिद और वीसी सोनी एलेसियस ने रोनी और मीनाक्षी की भूमिका निभाई जो प्यार में है और माता पिता बनने वाले, जबकि सीनू और सेरिनी क्रोमस इंद्रजीत सुकुमारन और रीति रामचंद्र विवाहित जोड़े हैं। उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते और वे शादी और प्यार को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब वादा वाला सीनू और सेरिन के साथ रहते हैं, ओटीटी प्ले की समीक्षा के अनुसार मरीवली गोपुरंगर एक फेल मोड मूवी है जो बहुत ज़्यादा खोजबीन किए बिना सिर्फ एक सुरक्षित फॉर्मूले पर टिके हुए। फिल्म के सहायक कलाकारों में सलीम कुमार, बिंदु पनेकर, साई कुमार और जानी एंटनी शामिल है। फिल्म की प्रकटन, निर्देशन और प्रमोद मोहन ने लिखे कि इस फिल्म के लिए विधास सागर ने साउंड तैयार किया है। मरीवलीन गोपुरंगल के निर्देशन अरुण बोस का कहना है कि इस शैली में फिल्म बनाना आसान नहीं है। एक्सलेस की शेयर करें और समीक्षकों के लिए नकारात्मक के मूवी रिव्यू किया गया था और मरीवलीन गोपुरंगल के लिए समीक्षकों के नकारात्मक किया गया था। इंद्रजीत के लिए ये समीक्षकों के नकारात्मक और दोनों के लिए ही मरीवलीन गोपुरंगल की समीक्षकों की मरीवलीन गोपुरंगल अरुण बोस की तरह निर्देशित 24 की भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है। कहानी अरुण बोस और प्रमोद फिल्म है। कहानी अरुण बोस प्रमोद मोहन की तरह लिखी गई थी। इसमें इंद्रजीत सुकुमारन, रीति रामचंद्रन, सरजानो खारिद और विंसी की एडेसियस शामिल है। इसे 10 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 के अंत में शुरू हुई और जून 2023 के अंत में समाप्त हुई। फिल्म संगीत विधास सागर ने दिया। छायांकन श्याम प्रकाश एस के द्वारा किया गया था, जबकि स्पारन सैजल वीपी पीवी और अरुण बोस की तरह किया गया था। सेंटू और सेरिन एक विवाहित जोड़े हैं जिनकी कोई संतान नहीं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब सेंटू का भाई रूनी अपनी गर्भवती प्रेमिका मीनाक्षी के साथ उनके घर आते हैं, जिसे अराजकता और अप्रत्याशित आशीर्वाद दोनों आते हैं। मुख्य फोटोग्राफी 24 अप्रैल 2023 को कोची में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इंद्रजीत सुकुमारन 29 अप्रैल 2023 को वरुण जी पनेकर की नजन कडंथा सिगई ई की शूटिंग पूरी करने के बाद स्टेट पर शामिल हुई। फिल्म का जून 2023 के अंत में पूरा हुआ। संगीत विधास सागर की तरह रचा गया था, जबकि गीत विनायक सिद्ध कुमार की तरह लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार म्यूजिक 24/7 हाँ के द्वारा हासिल किए गए थे। खबरें थी कि फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज होगी। विदेशी वितरण अधिकार रेस राज फिल्म और प्ले फिल्म को बेच दिए गए। इंद्रजीत का जन्म 7 दिसंबर 1979 को अभिनेता सुकुमारन और मल्लिका सुकुमारन के बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनकी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेता। इंद्रजीत की प्राथमिक स्कूली शिक्षा रायन वर्कर्नी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी नगर चेन्नई और सेंट जोसेफ की बॉयज स्कूल कन्नूर में हुई, क्योंकि उसका समय परिवार तमिलनाडु में बस गया था। बाद में जब परिवार केरल में स्थानांतरित हो गए तो उन्होंने अपनी शिक्षा द NSS पब्लिक स्कूल पिरुथनी से, मैरी रेजिडेंशियल सेंट्रल स्कूल पूजापुरा से की। उन्होंने अपनी बाकी स्कूल शिक्षा अपने भाई पृथ्वीराज के साथ सैनिक स्कूल कजहाकुटम में पूरी की। वहां पढ़ाई के दौरान वह टेनिस टीम के कप्तान थे। उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। उन्होंने तिरुनेलवेली जिले की राजांस इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और जब उन्होंने फिल्म करियर में प्रवेश किया तो वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रेक्षकों के रूप में काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में व्यस्त हो गए। उन्होंने 1986 में मलयालम फिल्म पदानी में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें लाल जोश की तरह निर्देशित ब्लॉक पोस्टर मीसा मागवन में उनकी खलनायक भूमिका इपेन पचा
पापा जी के लिए जाना गया। उन्होंने अनवर रसीद के छोटा मुंबई और सारी कैलाश के बाबा कल्याणी में मोहन लाल के साथ अभिनय किया। बाबा कल्याणी के में खलनायक के रूप में उनकी अभिनय को आलोचकों की तरह सराहा गया। उन्होंने फिल्म बेसर में ममूटी के साथ अभिनय किया। उन्होंने लाल जोश की फिल्म आरबी कथा और संतोष सिवन की बिफोर द रेंस में भी अभिनय किया। उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ कई फिल्मों में जोड़ी बनाई, जिसमें 26 की हिट फिल्म क्लासमेटर्स में शामिल है। उन्होंने पज हस्ती राजा 29 की सफलता के बाद एमटी वासुदेवन नायर की तरह लिखित हरिहरन की फिल्म इज्माते वरु में विनीत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। मनीष रोमनाथ की तरह निर्देशित उनकी पहली हिंदी फिल्म द वेटिंग रूम जनवरी 2010 में रिलीज हुई थी। उन्होंने जोजू जर के साथ 22 की फिल्म मधुरम जयसूर्या के साथ 23 की फिल्म प्रथम आसिफ अली के साथ 27 की फिल्म संडे हॉलीडे और 20 के साथ 22 की फिल्म काने काने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जया के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई। 2019 की तेलुगु फिल्म डियर कॉम्रेड में उन्होंने 2019 में जयसूर्या के साथ फिल्म अन्वेषण में भी अभिनय किया। अपने पति फ्रांसिस थॉमस के साथ रूती ने एंथोलॉजी फिल्म पूतम पुरुकलई के लिए इलमल इदो इंडोखंड लिखो जो 22 में रिलीज हुई। रीति ने मगुरा में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य क्रिटिकर्स एसोसिएशन के द्वारा अभिनय उत्कृष्टता के लिए विशेष जूरी उल्लेख जीता। रीति ने रंजीत शंकर के द्वारा निर्देशित फिल्म कमला के लिए 22 में सौत्रेश डॉमिन कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रीति रामचंद्र का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और बाद में वे कोची केरल चली गए। उन्होंने अपनी मोंटेसरी स्कूल से शिक्षा लेडी आनंदाल वेक्टर सुब्बा राव स्कूल चेन्नई से की। बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिक से वरिष्ठ स्कूली शिक्षा द चॉइस स्कूल कोची में की। रीति एक प्रेक्षित वास्तुकार है जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन मैसूर से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने स्नातक के बाद उन्होंने ISSC बार्सिलोना से सेल्फ सफिशिएंट ब्लेडिगंस में मास्टर्स करने से पहले चीज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरीविन की हर चेष्टा अधिकारी की फैन हो और मारी विलेन गोकू रंगल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। होम समाचार मैरी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गायत्री कृष्णा की 31 अगस्त 2022 को मलयालम फिल्म मारी विलेन गोकू रंगल जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अरुण बोस ने इस फिल्म का निर्देशन किया कि जिसमें इंद्रजीत सुकुमारन रीति रामचंद्रन सरजनो खालिद और विंसी सोनी एलेसियस मुख्य भूमिकाओं में हैं। मैरी विलेन गोकू रंगल डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा। 10 मई को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सितंबर के मध्य या आखिरी हफ्ते में उपलब्ध होगी।
मरी विलीन गोपुरंगल समीक्षा इंद्रजीत अभिनीत एक मानक फेयर गुड फेम है, ना ज्यादा ना कम। नागेंद्र ही हनीमून डीनी हटे स्टार पर उपलब्ध होने वाली पनीकर की तरह निर्देशित इस वेब श्रृंखला में मुख्य अभिनेता सूरज बेजरा मुंडू है। नागेंद्र की हनीमून की महत्वपूर्ण हिस्सों में ग्रेस एंटनी, काने कुसरूती, रेता मेनन, अल्फी पंजीकरण और निरंजन अनूप है। फिल्म की ट्रेलर में समकालीन रिश्तों की बदलती गतिशीलता की खोज का सरदम दिया गया। सरजानो खालिद और विशी सोनी एलेसियस ने रोनी और मीनाक्षी की भूमिका निभाई जो प्यार में है और माता पिता बनने वाले, जबकि सीनू और सीरीनी क्रोमस इंद्रजीत सुकुमारन और रीति रामचंद्र विवाहित जुड़े हैं। उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते और वे शादी और प्यार को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब वादा वाला सीनू और सीरीन के साथ रहते ओटीटी प्ले की समीक्षा के अनुसार मरीवली गोपुरंगल एक फेल मोड मूवी है जो बहुत ज़्यादा खोजबीन किए बिना सिर्फ एक सुरक्षित फॉर्मूले पर टिके हुए। फिल्म के सहायक कलाकारों में सलीम कुमार, बिंदु पनेकर, साई कुमार और जानी एंटनी शामिल। फिल्म की प्रकटन निर्देशन और प्रमोद मोहन ने लिखी कि इस फिल्म के लिए विद्यासागर ने साउंडिक तैयार किया है। मरीवली गोपुरंगल के निर्देशन अरुण बोस का कहना है कि इस शैली में फिल्म बनाना आसान नहीं है। एक्सलेस की शेयर करें और समीक्षकों के लिए नकारात्मक की मूवी रिव्यू किया गया था और मरीवली गोपुरंगल के लिए समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। इंद्रजीत के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही मरीवली गोपुरंगल की समीक्षकों की मरीवली गोपुरंगल अरुण बोस की तरह निर्देशित 24 की भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है। कहानी अरुण बोस और प्रमोद फिल्म है। कहानी अरुण बोस प्रमोद मोहन की तरह लिखी गई थी। इसमें इंद्रजीत सुकुमार, रीति रामचंद्रन, सरजानो खारिद और विंसी की एडेसियस शामिल है। इसे 10 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 के अंत में शुरू हुई और जून 2023 के अंत में समाप्त हुई। फिल्म संगीत विराज सागर ने दिया, छायांकन श्याम प्रकाश एस की तरह किया गया था, जबकि स्पार्क सेजर वीपी पीवी और अरुण बोस की तरह किया गया था। सेंटू और सेरिन एक विवाहित जोड़े जिनकी कोई संतान नहीं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब सेंटू का भाई रोनी अपनी गर्भवती प्रेमिका मीनाक्षी के साथ उनके घर आते हैं, जिसे अराजकता और अप्रत्याशित आशीर्वाद दोनों आते। मुख्य फोटोग्राफी 24 अप्रैल 2023 को कोची में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इंद्रजीत सुकुमारन 29 अप्रैल 2023 को वरुण जी पनेकर की नजन करंथा सिरई ई की शूटिंग पूरी करने के बाद स्टेट पर शामिल हुई। फिल्म का जून 2023 के अंत में पूरा हुआ। संगीत विराज सागर की तरह रचा गया था, जबकि गीत विनायक शिव कुमार की तरह लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार म्यूजिक 24/7 की द्वारा हासिल किए गए थे। खबरें थी कि फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज होगी। विदेशी वितरण अधिकार रेस राज फिल्म और प्ले फिल्म को बेच दिए गए। इंद्रजीत का जन्म 7 दिसंबर 1979 को अभिनेता सुकुमारन और मल्लिका सुकुमारन के बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनकी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेता। इंद्रजीत की प्राथमिक स्कूली शिक्षा रायन वलकर्णी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी नगर चेन्नई और सेंट जोसेफ की बॉयज स्कूल कन्नूर में हुई, क्योंकि उसका समय परिवार तमिलनाडु में बस गया था। बाद में जब परिवार केरल में स्थानांतरित हो गए तो उन्होंने अपनी शिक्षा NSS पब्लिक स्कूल पिरुथनी से मैरी रेजिडेंशियल सेंट्रल स्कूल पूजापुरा से की। उन्होंने अपनी बाकी स्कूल शिक्षा अपने भाई पृथ्वीराज के साथ सैनिक स्कूल कजहाकूटम में पूरी की। वहां पढ़ाई के दौरान वह टेनिस टीम के कप्तान थे।
उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। उन्होंने तिरुनेलवेली जिले की राजांस इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और जब उन्होंने फिल्म करियर में प्रवेश किया तो वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रेक्षक के रूप में काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में व्यस्त हो गए। उन्होंने 1986 में मलयालम फिल्म पदानी में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें लाल जोस की तरह निर्देशित ब्लॉक पोस्टर मीसा मागवन में उनकी खलनायक भूमिका इपेन पपची के लिए जाना गया। उन्होंने अनवर रसिक के छोटा मुंबई और साजी कैलाश की बाबा कल्याणी में मोहनलाल के साथ अभिनय किया। बाबा कल्याणी के में खलनायक के रूप में उनकी अभिनय को आलोचकों की तरह सराहा गया। उन्होंने फिल्म बेसा में ममूटी के साथ अभिनय किया। उन्होंने लाल जोश की फिल्म आरबी कथा और संतोष श्रीवन की बिफोर द रेंस में भी अभिनय किया। उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ कई फिल्मों में जोड़ी बनाई जिसमें 26 की हिट फिल्म क्लासमेट्स में शामिल है। उन्होंने पज हस्ती राजा 29 की सफलता के बाद एम टी वासुदेवन नायर की द्वारा लिखित हरिहरन की फिल्म इज़्ज़ते वरु में विनीत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। मनीष रोमनाथ की द्वारा निर्देशित उनकी पहली हिंदी फिल्म द वेटिंग रूम जनवरी 2010 में रिलीज हुई थी। उन्होंने जोजो जर के साथ 22N की फिल्म मधुरम जय सूर्य के साथ 23 की फिल्म प्रथम आसिफ अली के साथ 27 की फिल्म संडे हॉलीडे और 20 के साथ 22N की फिल्म काने काने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जया के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई। 2019 की तेलुगु फिल्म डियर कॉम्रेड में उन्होंने 2019 में जय सूर्य के साथ फिल्म अन्वेषण में भी अभिनय किया। अपने पति फ्रांसिस थॉमस के साथ रुति ने एंथोलॉजी फिल्म भूतम पोरुकलई के लिए इलमल इदो इंडोखंड लिखो जो 22 में रिलीज हुई। रीति ने मगुरा में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य क्रिटिकर्स एसोसिएशन के द्वारा अभिनय उत्कृष्टता के लिए विशेष जूरी उल्लेख जीता। रीति ने रंजीत शंकर के द्वारा निर्देशित फिल्म कमला के लिए 22 में 37 टॉमिंग कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रीति रामचंद्र का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और बाद में वे कोची केरल चली गए। उन्होंने अपनी मोंटेसरी स्कूल शिक्षा लेडी आनंदाल वेक्टर सुब्बा राव स्कूल चेन्नई से की। बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिक से वरिष्ठ स्कूली शिक्षा द चॉइस स्कूल कोची में की। रीति एक प्रेक्षित वास्तुकार है जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन मैसूर से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने स्नातक के बाद उन्होंने ISSC बार्सिलोना से सेल्फ सफिशिएंट ब्लेडिगंस में मास्टर्स करने से पहले चीज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरविन की हर चेष्टा अधिकारी की फैन हो और मारी विलेन गोकू रंगल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। होम समाचार मैरी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गायत्री कृष्णा की 31 अगस्त 2022 को मलयालम फिल्म मारी विलेन गोकू रंगल जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अरुण बोस ने इस फिल्म का निर्देशन किया कि जिसमें इंद्रजीत कुमारन रीति रामचंद्रन सरजनो खालिद और विंसी सोनी एलेसियस मुख्य भूमिकाओं में हैं। मैरी विलेन गोकू रंगल डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा। 10 मई को बड़े पर्दे पर आई
इस फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सितंबर के मध्य या आखिरी हफ्ते में उपलब्ध होगी। मरी विलीन गोपुरंगल समीक्षा इंद्रजीत अभिनीत एक मानक फेयर गुड फेम है, ना ज्यादा ना कम। नागेंद्र ही हनीमून डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध होने वाली पनीकर की तरह निर्देशित इस वेब श्रृंखला में मुख्य अभिनेता सूरज बेजरा मुंडू है। नागेंद्र की हनीमून की महत्वपूर्ण हिस्सों में ग्रेस, एंटनी काने, कुछ रोटी, रेता मेनन, अल्फी पंजीकरण और निरंजन अनूप है। फिल्म की ट्रेलर में समकालीन रिश्तों की बदलती गतिशीलता की खोज का सरदम दिया गया। सरजानो खालिद और विशी सोनी एलेसियस ने रोनी और मीनाक्षी की भूमिका निभाई, जो प्यार में है और माता पिता बनने वाले, जबकि सीनू और सेरिनी क्रोमस इंद्रजीत सुकुमारन और रीति रामचंद्र विवाहित जुड़े हैं। उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते और वे शादी और प्यार को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब वादा वाला सीनू और सेरिन के साथ रहते OTT प्ले की समीक्षा के अनुसार मरीवली गोपुरंगल एक फेयर मूड मूवी है, जो बहुत ज़्यादा खोजबीन किए बिना सिर्फ एक सुरक्षित फॉर्मूले पर टिके हुए। फिल्म के सहायक कलाकारों में सलीम कुमार, बिंदु पनेकर, साई कुमार और जानी एंटनी शामिल। फिल्म की पटकथा, निर्देशन और प्रमोद मोहन ने लिखी कि इस फिल्म के लिए विधा सागर ने साउंडिक तैयार किया है। मरीवली गोपुरंगल के निर्देशन अरुण बोस का कहना है कि इस शैली में फिल्म बनाना आसान नहीं है। एक्सलेस की शेयर करें और समीक्षकों के लिए नकारात्मक के मूवी रिव्यू किया गया था और मारी विलेन गोपुरंगल के लिए समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था इंद्रजीत के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही मारी विलेन गोपुरंगल की समीक्षकों की मारी विलीन गोपुरंगल अरुण बोस की तरह निर्देशित 22/4 की भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है। कहानी अरुण बोस और प्रमोद फिल्म है। कहानी अरुण बोस प्रमोद मोहन की तरह लिखी गई थी। इसमें इंद्रजीत सुकुमार, रीति रामचंद्रन, सरजानो खारिद और विंसी की एडेसियस शामिल है। इसे 10 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 22/3 के अंत में शुरू हुई और जून 22/3 के अंत में समाप्त हुई। फिल्म संगीत विधा सागर ने दिया। छायांकन श्याम प्रकाश AS के द्वारा किया गया था, जबकि स्पार्क सेजर VP PV और अरुण बोस की तरह किया गया था। सेंटू और सेरिन एक विवाहित जोड़े हैं जिनकी कोई संतान नहीं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब सेंटू का भाई रूनी अपनी गर्भवती प्रेमिका मीनाक्षी के साथ उनके घर आते हैं, जिसे अराजकता और अप्रत्याशित आशीर्वाद दोनों आते। मुख्य फोटोग्राफी 24 अप्रैल 2023 को कोची में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इंद्रजीत सुकुमारन 29 अप्रैल 2023 को वरुण जी पनेकर की नजन कडंथा सिरई ई की शूटिंग पूरी करने के बाद सेट पर शामिल हुई। फिल्म का जून 22/3 के अंत में पूरा हुआ। संगीत विराज सागर की तरह रचा गया था, जबकि गीत विनायक सुशील कुमार की तरह लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार म्यूजिक 24/7 की द्वारा हासिल किए गए थे। खबरें थी कि फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज होगी। विदेशी वितरण अधिकार देश राज फिल्म और प्ले फिल्म को बेच दिए गए। इंद्रजीत का जन्म 7 दिसंबर 1979 को अभिनेता सुकुमारन और मल्लिका सुकुमारन के बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनकी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भी
दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेता इंद्रजीत की प्राथमिक स्कूली शिक्षा रायन वलकर्नी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी नगर चेन्नई और सेंट जोसेफ की बॉयज स्कूल कन्नूर में हुई, क्योंकि उसका समय परिवार तमिलनाडु में बस गया था। बाद में जब परिवार केरल में स्थानांतरित हो गए तो उन्होंने अपनी शिक्षा द NSS पब्लिक स्कूल पिरुथनी से, मैरी रेजिडेंशियल सेंट्रल स्कूल पूजापुरा से की। उन्होंने अपने बाकी स्कूल शिक्षा अपने भाई पृथ्वीराज के साथ सैनिक स्कूल कजहाकुटम में पूरी की। वहाँ पढ़ाई के दौरान वह टेनिस टीम के कप्तान थे। उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। उन्होंने तिरुनेलवेली जिले की राजांश इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और जब उन्होंने फिल्म करियर में प्रवेश किया तो वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रेक्षु के रूप में काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में व्यस्त हो गए। उन्होंने 1986 में मलयालम फिल्म पदानी में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें लाल जोश की तरह निर्देशित ब्लॉक पोस्टर मीसा मागवन में उनकी खलनायक भूमिका इपेन पचा पापा जी के लिए जाना गया। उन्होंने अनवर रसिक की छोटा मुंबई और साजी कैलाश की बाबा कल्याणी में मोहन लाल के साथ अभिनय किया। बाबा कल्याणी के में खलनायक के रूप में उनकी अभिनय को आलोचकों की तरह सराहे गए। उन्होंने फिल्म बेसर में ममूटी के साथ अभिनय किया। उन्होंने लाल जोश की फिल्म अरबी कथा और संतोष सिवन की बिफोर द रेंस में भी अभिनय किया। उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ कई फिल्मों में जोड़ी बनाई, जिसमें 26 की हिट फिल्म क्लासमेट्स में शामिल है। उन्होंने पज हस्ती राजा 29 की सफलता के बाद MT वासुदेवन नायर की द्वारा लिखित हरिहरन की फिल्म इज़्ज़ते वरु में विनीत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। मनीष रोमनाथ की द्वारा निर्देशित उनकी पहली हिंदी फिल्म द वेटिंग रूम जनवरी 2010 में रिलीज हुई थी। उन्होंने जोजो जेल के साथ 22N की फिल्म मधुरम जय सूर्या के साथ, 2016 की फिल्म प्रथम आसिफ अली के साथ, 27 की फिल्म संडे हॉलीडे और 20 के साथ 22N की फिल्म काने काने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जया के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई। 2019 की तेलुगु फिल्म डियर कॉम्रेड में उन्होंने 2019 में जय सूर्या के साथ फिल्म अन्वेषण में भी अभिनय किया। अपने पति फ्रांसिस थॉमस के साथ रुति ने एंथोलॉजी फिल्म पूतम पुरुकलई के लिए इलमल इदो इंडोखंड लिखो जो 22 में रिलीज हुई। रीति ने मगुरा में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य क्रिटिकर्स एसोसिएशन के द्वारा अभिनय उत्कृष्टता के लिए विशेष जूरी उल्लेख जीता। रीति ने रंजीत शंकर के द्वारा निर्देशित फिल्म कमला के लिए 22 में 37 टॉमिंग कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रीति रामचंद्र का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और बाद में वे कोची केरल चली गए। उन्होंने अपनी मोंटेसरी स्कूली शिक्षा लेडी आयरडाल विक्टर सुब्बा राव स्कूल चेन्नई से की। बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिक से वरिष्ठ स्कूली शिक्षा द चॉइस स्कूल कोची में की। रीति एक प्रेक्षित वास्तुकार है जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन मैसूर से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने स्नातक के बाद उन्होंने ISSC बार्सिलोना से सेल्फ सफिशिएंट ब्लेडिगंस में मास्टर्स करने से पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरीविन की हर चेष्टा अधिकारी की फैन हो और मारी विलेन गोकू रंगल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। होम समाचार मैरी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गायत्री कृष्णा की 31 अगस्त 2022 को
मलयालम फिल्म मारी विलियन गोपुरंगल जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अरुण बोस ने इस फिल्म का निर्देशन किया कि जिसमें इंद्रजीत सुकुमारन, रीति रामचंद्रन, सरजनो खालिद और विंसी सोनी एडेसियस मुख्य भूमिकाओं में हैं। मैरी विलियन गोपुरंगल डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा। 10 मई को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सितंबर के मध्य या आखिरी हफ्ते में उपलब्ध होगी। मरी विलियन गोपुरंगल समीक्षा इंद्रजीत अभिनीत एक मानक फेयर गुड फिल्म है, न ज्यादा न कम। नागेंद्र ही हनीमून डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध होने वाली पनीकर की तरह निर्देशित इस वेब श्रृंखला में मुख्य अभिनेता सूरज बेजरा मुंडू है। नागेंद्र की हनीमून की महत्वपूर्ण हिस्सों में ग्रेस, एंटनी काने, कुसरूति, रेता मेनन, अल्फी पंजीकरण और निरंजना अनूप हैं। फिल्म की ट्रेलर में समकालीन रिश्तों की बदलती गतिशीलता की खोज का सरदम दिया गया। सरजानो खालिद और विशेष सोनी एलेसियस ने रोनी और मीनाक्षी की भूमिका निभाई, जो प्यार में है और माता पिता बनने वाले, जबकि सीनू और सेरिनी क्रोमस इंद्रजीत सुकुमारन और रीति रामचंद्र विवाहित जुड़े हैं। उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते और वे शादी और प्यार को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब वादा वाला सीनू और सेरिन के साथ रहते OTT प्ले की समीक्षा के अनुसार मरीवली गोपुरंगल एक फेयर मूड मूवी है, जो बहुत ज़्यादा खोजबीन किए बिना सिर्फ एक सुरक्षित फॉर्मूले पर टिके हुए। फिल्म के सहायक कलाकारों में सलीम कुमार, बिंदु पनेकर, साई कुमार और जानी एंटनी शामिल। फिल्म की प्रकटन निर्देशन और प्रमोद मोहन ने लिखी कि इस फिल्म के लिए विधा सागर ने साउंडिक तैयार किया है। मरीविलियन गोपुरंगल के निर्देशन अरुण बोस का कहना है कि इस शैली में फिल्म बनाना आसान नहीं है। एक्सलेस की शेयर करें और समीक्षकों के लिए नकारात्मक की मूवी रिव्यू किया गया था और मारी विलियन गोपुरंगल के लिए समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था इंद्रजीत के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही मारी विलियन गोपुरंगल की समीक्षकों की मारी विलियन गोपुरंगल अरुण बोस की तरह निर्देशित 24 की भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है। कहानी अरुण बोस और प्रमोद फिल्म है। कहानी अरुण बोस प्रमोद मोहन की तरह लिखी गई थी। इसमें इंद्रजीत सुकुमारन, रीति रामचंद्रन, सरजानो खारिद और विंसी की एडेसियस शामिल है। इसे 10 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 के अंत में शुरू हुई और जून 2023 के अंत में समाप्त हुई। फिल्म संगीत विधा सागर ने दिया। छायांकन श्याम प्रकाश AS के द्वारा किया गया था, जबकि स्पार्क सेजर VP PV और अरुण बोस की तरह किया गया था। सेंटू और सेरिन एक विवाहित जोड़े हैं जिनकी कोई संतान नहीं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब सेंटू का भाई रूनी अपनी गर्भवती प्रेमिका मीनाक्षी के साथ उनके घर आते हैं, जिसे अराजकता और अप्रत्याशित आशीर्वाद दोनों आते। मुख्य फोटोग्राफी 24 अप्रैल 2023 को कोची में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इंद्रजीत सुकुमारन 29 अप्रैल 2023 को वरुण जी पनेकर की नजन कड़ंथा सिरई ई की शूटिंग पूरी करने के बाद सेट पर शामिल हुई। फिल्म का जून 2023 के अंत में पूरा हुआ। संगीत विराज सागर की तरह रचा गया था, जबकि गीत विनायक शिव कुमार की तरह लिखे गए थे।
ऑडियो अधिकार म्यूजिक 24/7 हाँ के द्वारा हासिल किए गए थे। खबरें थी कि फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज होगी। विदेशी वितरण अधिकार वेस राज फिल्म और प्ले फिल्म को बेच दिए गए। इंद्रजीत का जन्म 7 दिसंबर 1979 को अभिनेता सुकुमारन और मल्लिका सुकुमारन के बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनकी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेता। इंद्रजीत की प्राथमिक स्कूली शिक्षा रायन वर्कर्नी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी नगर चेन्नई और सेंट जोसेफ की बॉयज स्कूल कन्नूर में हुई, क्योंकि उसका समय परिवार तमिलनाडु में बस गया था। बाद में जब परिवार केरल में स्थानांतरित हो गए तो उन्होंने अपनी शिक्षा NSS पब्लिक स्कूल पिरुथनी से मैरी रेजिडेंशियल सेंट्रल स्कूल पूजापुरा से की। उन्होंने अपनी बाकी स्कूल शिक्षा अपने भाई पृथ्वीराज के साथ सैनिक स्कूल कजहाकुटम में पूरी की। वहां पढ़ाई के दौरान वह टेनिस टीम के कप्तान थे। उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। उन्होंने तिरुनेलवेली जिले की राजांस इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और जब उन्होंने फिल्म करियर में प्रवेश किया तो वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रशिक्षु के रूप में काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में व्यस्त हो गए। उन्होंने 1986 में मलयालम फिल्म पदानी में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें लाल जोश की तरह निर्देशित ब्लॉक पोस्टर मीसा मागवन में उनकी खलनायक भूमिका इपेन पपची के लिए जाना गया। उन्होंने अनवर रसीद की छोटा मुंबई और साजी कैलाश की बाबा कल्याणी में मोहन लाल के साथ अभिनय किया। बाबा कल्याणी की में खलनायक के रूप में उनकी अभिनय को आलोचकों की तरह सराहा गया। उन्होंने फिल्म बेसा में ममूटी के साथ अभिनय किया। उन्होंने लाल जोश की फिल्म आरबी कथा और संतोष सिवन की बिफोर द रेंस में भी अभिनय किया। उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ कई फिल्मों में जोड़ी बनाई, जिसमें 26 की हिट फिल्म क्लासमेट्स में शामिल है। उन्होंने पज हस्ती राजा 29 की सफलता के बाद MT वासुदेवन नायर की द्वारा लिखित हरिहरन की फिल्म इज़्ज़ते वरु में विनीत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। मनीष रोमनाथ की द्वारा निर्देशित उनकी पहली हिंदी फिल्म द वेटिंग रूम जनवरी 2010 में रिलीज हुई थी। उन्होंने जोजो जेल के साथ 22N की फिल्म मधुरम जय सूर्या के साथ 2016 की फिल्म प्रथम आसिफ अली के साथ 27 की फिल्म संडे हॉलीडे और 20 के साथ 22N की फिल्म काने काने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जया के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई। 2019 की तेलुगु फिल्म डियर कॉम्रेड में उन्होंने 2019 में जय सूर्या के साथ फिल्म अन्वेषण में भी अभिनय किया। अपने पति फ्रांसिस थॉमस के साथ रूती ने एंथोलॉजी फिल्म पूतम पुरुकलई के लिए इलमल इदो इंडोखंड लिखो जो 22 में रिलीज हुई। रीति ने मगुरा में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य क्रिटिकर्स एसोसिएशन के द्वारा अभिनय उत्कृष्टता के लिए विशेष जूरी उल्लेख जीता। रीति ने रंजीत शंकर के द्वारा निर्देशित फिल्म कमला के लिए 22 में सर्वश्रेष्ठ डॉमिंग कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रीति रामचंद्र का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और बाद में वे कोची केरल चली गए। उन्होंने अपनी मोंटेसरी स्कूली शिक्षा लेडी आयनडार्न विक्टर सुबा राव स्कूल चेन्नई से की। बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिक से वरिष्ठ स्कूली शिक्षा द चॉइस स्कूल कोची में की। रीति एक प्रेक्षित वास्तुकार है जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन मैसूर से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने स्नातक के बाद उन्होंने ISSC बार्सिलोना से सेल्फ सफिशिएंट ब्लेडिगंस में मास्टर्स करने से पहले चीज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरविन की हर चेष्टा अधिकारी की फैन हो और मारी विलेन गोकू रंगल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। होम समाचार मैरी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज। इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी।
मारी वीर गोपुरंगल ओ टी टी रिलीज। इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रोम जल्द ही इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी वीरेन गोपुरंगल ओ टी टी रिलीज की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गायत्री कृष्णा की 31 अगस्त 2022 को मलयालम फिल्म मारी वीरेन गोपुरंगल जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अरुण बोस ने इस फिल्म का निर्देशन किया कि जिसमें इंद्रजीत कुमारन, रीति रामचंद्रन, सरजनो खालिद और विंसी सोनी एलेसियस मुख्य भूमिकाओं में हैं। मैरी वीरेन गोपुरंगल डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा। 10 मई को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण इसकी ओटीटी रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण इसकी ओटीटी रिलीज में देरी हो सकती है। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सितंबर के मध्य या आखिरी हफ्ते में उपलब्ध होगी। मरी वीरेन गोपुरंगल समीक्षा इंद्रजीत अभिनीत एक मानक फेसबुक फेम है, न ज्यादा न कम। नागेंद्र ही हनीमून डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध होने वाली पनीकर की तरह निर्देशित इस वेब श्रृंखला में मुख्य अभिनेता सूरज बेजरा मुंडू है। नागेंद्र की हनीमून की महत्वपूर्ण हिस्सों में ग्रेस, एंटनी काने, कुछ रोती, रेता मेनन, अल्फी पंजीकरण और निरंजना अनूप है। फिल्म की ट्रेलर में समकालीन रिश्तों की बदलती गतिशीलता की खोज का सरदम दिया गया। सरजानो खालिद और विशी सोनी एलेसियस ने रोनी और मीनाक्षी की भूमिका निभाई, जो प्यार में है और माता पिता बनने वाले, जबकि सीनू और सीरीनी क्रॉमस इंद्रजीत सुकुमारन और रीति रामचंद्र विवाहित जोड़े हैं। उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते और वे शादी और प्यार को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब वादा वाला सीनू और सीरीन के साथ रहते हैं। ओटीटी प्ले की समीक्षा के अनुसार मरीवली गोपुरंगल एक फेल मोड मूवी है, जो बहुत ज़्यादा खोजबीन किए बिना सिर्फ एक सुरक्षित फॉर्मूले पर टिके हुए। फिल्म के सहायक कलाकारों में सलीम कुमार, बिंदु पनेकर, साई कुमार और जानी एंटनी शामिल। फिल्म की प्रकटन निर्देशन और प्रमोद मोहन ने लिखी कि इस फिल्म के लिए विद्यासागर ने साउंडिक तैयार किया है। मरीवीरेन गोपुरंगल के निर्देशन अरुण बोस का कहना है कि इस शैली में फिल्म बनाना आसान नहीं है। एक्सलेस की शेयर करें और समीक्षकों के लिए नकारात्मक के मूवी रिव्यू किया गया था और मारी वीरेन गोपुरंगल के लिए समीक्षकों के नकारात्मक किया गया था। इंद्रजीत के लिए ये समीक्षकों के नकारात्मक और दोनों के लिए ही मारी वीरेन गोपुरंगल की समीक्षकों की मारी वीरेन गोपुरंगल अरुण बोस की तरह निर्देशित 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है। कहानी अरुण बोस और प्रमोद फिल्म है। कहानी अरुण बोस प्रमोद मोहन की तरह लिखी गई थी। इसमें इंद्रजीत सुकुमारन, रीति रामचंद्रन, सरजानो खारिद और विंसी की एडेसियस शामिल है। इसे 10 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 के अंत में शुरू हुई और जून 2023 के अंत में समाप्त हुई। फिल्म संगीत विद्यासागर ने दिया। छायांकन श्याम प्रकाश एस की तरह किया गया था, जबकि स्पार्क सेजल वीपी पीवी और अरुण बोस की तरह किया गया था। सेंटू और सेरिन एक विवाहित जोड़े हैं जिनकी कोई संतान नहीं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब सेंटू का भाई रूनी अपनी गर्भवती प्रेमिका मीनाक्षी के साथ उनके घर आते हैं, जिसे अराजकता और अप्रत्याशित आशीर्वाद दोनों आते हैं। मुख्य फोटोग्राफी 24 अप्रैल 2023 को कोची में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इंद्रजीत सुकुमारन 29 अप्रैल
2023 को वरुण जी पनीकर की नजन कड़ंथा सिरई की शूटिंग पूरी करने के बाद स्टेट पर शामिल हुई। फिल्म मकान जून 2023 की अंत में पूरा हुआ। संगीत विराज सागर की तरह रचा गया था, जबकि गीत विनायक सुशील कुमार की तरह लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार म्यूजिक 24/7 हाँ की द्वारा हासिल किए गए थे। खबरें थी कि फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज होगी। विदेशी वितरण अधिकार रेस राज फिल्म और प्ले फिल्म को बेच दिए गए। इंद्रजीत का जन्म 7 दिसंबर 1979 को अभिनेता सुकुमारन और मल्लिका सुकुमारन के बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनकी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेता। इंद्रजीत की प्राथमिक स्कूली शिक्षा रायन करनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी नगर चेन्नई और सेंट जोसेफ की बॉयज स्कूल कन्नूर में हुई, क्योंकि उसका समय परिवार तमिलनाडु में बस गया था। बाद में जब परिवार केरल में स्थानांतरित हो गए तो उन्होंने अपनी शिक्षा NSS पब्लिक स्कूल पिरुथनी से मेरी रेजिडेंशियल सेंट्रल स्कूल पूजापुरा से की। उन्होंने अपनी बाकी स्कूल शिक्षा अपने भाई पृथ्वीराज के साथ सैनिक स्कूल कजहाकुटम में पूरी की। वहां पढ़ाई के दौरान वह टेनिस टीम के कप्तान थे। उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। उन्होंने तिरुनेलवेली जिले की राजांस इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और जब उन्होंने फिल्म करियर में प्रवेश किया तो वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रशिक्षु के रूप में काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में व्यस्त हो गए। उन्होंने 1986 में मलयालम फिल्म पदानी में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें लाल जोश की तरह निर्देशित ब्लॉक पोस्टर मीसा माघवन में उनकी खलनायक भूमिका इपेन पपची के लिए जाना गया। उन्होंने अनवर रशीद की छोटा मुंबई और साजी कैलाश की बाबा कल्याणी में मोहन लाल के साथ अभिनय किया। बाबा कल्याणी की में खलनायक के रूप में उनकी अभिनय को आलोचकों की तरह सराहा गया। उन्होंने फिल्म बेसर में ममूटी के साथ अभिनय किया। उन्होंने लाल जोश की फिल्म आरबी कथा और संतोष सिवन की बिफोर द रेंस में भी अभिनय किया। उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ कई फिल्मों में जोड़ी बनाई, जिसमें 26 की हिट फिल्म क्लासमेट्स में शामिल है। उन्होंने पज हस्ती राजा 29 की सफलता के बाद MT वासुदेवन नायर की तरह लिखित हरिहरन की फिल्म इजमाते वरु में विनीत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। मनीष रोमनाथ की तरह निर्देशित उनकी पहली हिंदी फिल्म द वेटिंग रूम जनवरी 2010 में रिलीज हुई थी। उन्होंने जोजू जेल के साथ 22N की फिल्म मधुरम जयसूर्या के साथ 16 की फिल्म प्रथम आसिफ अली के साथ 27 की फिल्म संडे हॉलीडे और 20 के साथ 22N की फिल्म काने काने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जया के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई। 2019 की तेलुगु फिल्म डियर कॉम्रेड में उन्होंने 2019 में जयसूर्या के साथ फिल्म अन्वेषण में भी अभिनय किया। अपने पति फ्रांसिस थॉमस के साथ रूती ने एंथोलॉजी फिल्म पूतम पुरुकलई के लिए इलमल इदो इंडोखंड लिखो जो 22 में रिलीज हुई। रीति ने मगुरा में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य क्रिटिकर्स एसोसिएशन के द्वारा अभिनय उत्कृष्टता के लिए विशेष जूरी उल्लेख जीता। रीति ने रंजीत शंकर के द्वारा निर्देशित फिल्म कमला के लिए 22 में 37 डॉमिंग कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रीति रामचंद्र का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और बाद में वे कोची केरल चली गए। उन्होंने अपनी मोंटेसरी स्कूली शिक्षा लेडी आयनडाल वेक्टर सुबह राव स्कूल चेन्नई से की। बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिक से वरिष्ठ स्कूली शिक्षा द चॉइस स्कूल कोची में की। रीति एक प्रेक्षित वास्तुकार है जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन मैसूर से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने स्नातक के बाद उन्होंने ISSC बार्सिलोना से सेल्फ सफिशिएंट ब्लेडिगंस में मास्टर्स करने से पहले चीज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरीविन की हर चेष्टा अधिकारी की फैन हो और मारी विलेन गोकू रंगल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। होम समाचार मैरी विलीन भूपुरंगर ओ टी टी रिली इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोपुरंगल ओ टी टी रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्द ही इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोपुरंगल ओ टी टी रिलीज की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गायत्री कृष्णा की 31 अगस्त 2022 को मलयालम फिल्म मारी विलेन गोपुरंगल जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अरुण बोस ने इस फिल्म का निर्देशन किया कि जिसमें इंद्रजीत सुकुमारन रीति रामचंद्रन सर जनो खालिद और विंसी सोनी एलेसियस मुख्य भूमिकाओं में हैं। मैरी विलेन गोपुरंगल डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा। 10 मई को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी ओटीटी रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद ली। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिज्ञा नहीं मिली जिसके कारण इसकी ओटीटी रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सितंबर के मध्य या आखिरी हफ्ते में उपलब्ध होगी। मरी विलेन गोपुरंगल समीक्षा इंद्रजीत अभिनीत एक मानक फेवरेट फिल्म है, न ज़्यादा न कम। नागेंद्र ही हनीमून डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध होने वाली पनीकर की तरह निर्देशित इस वेब श्रृंखला में मुख्य अभिनेता सूरज बेजरा मुंडू है। नागेंद्र की हनीमून की महत्वपूर्ण हिस्सों में ग्रेस एंटनी काने कुसरूती रेता मेनन अल्फी पंजीकरण और निरंजन अनूप है। फिल्म की ट्रेलर में समकालीन रिश्तों की बदलती गतिशीलता की खोज का सरदम दिया गया। सरजानो खालिद और विशी सोनी एलेसियस ने रोनी और मीनाक्षी की भूमिका निभाई जो प्यार में है और माता पिता बनने वाले, जबकि सीनू और सेरिनी क्रॉमस इंद्रजीत सुकुमारन और रीति रामचंद्र विवाहित जोड़े हैं। उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते और वे शादी और प्यार को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब वादा वाला सिंह और सेरिन के साथ रहते ओटीटी प्ले की समीक्षा के अनुसार मरी विलेन गोपुरंगल एक फेल मोड मूवी है जो बहुत ज़्यादा खोजबीन किए बिना सिर्फ एक सुरक्षित फॉर्मूले पर टिके हुए। फिल्म के सहायक कलाकारों में सलीम कुमार, बिंदु पनेकर, साई कुमार और जानी एंटनी शामिल। फिल्म की प्रकटन निर्देशन और प्रमोद मोहन ने लिखी कि इस फिल्म के लिए विद्यासागर ने साउंड तैयार किया है। मरी विलेन गोपुरंगल के निर्देशन अरुण बोस का कहना है कि इस शैली में फिल्म बनाना आसान नहीं है। एक्सलेस की शेयर करें और समीक्षकों के लिए नकारात्मक की मूवी रिव्यू किया गया था और मरी विलेन गोपुरंगल के लिए समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। इंद्रजीत के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही मारी विलेन गोपुरंगल की समीक्षकों की मारी विलेन गोपुरंगल अरुण बोस की तरह निर्देशित 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है। कहानी अरुण बोस और प्रमोद फिल्म है। कहानी अरुण बोस प्रमोद मोहन की तरह लिखी गई थी। इसमें इंद्रजीत सुकुमार, रीति रामचंद्रन, सर जानू खारिद और विंसी की एडेसियस शामिल है। इसे 10 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 के अंत में शुरू हुई और जून 2023 के अंत में समाप्त हुई। फिल्म संगीत विराज सागर ने दिया। छायांकन श्याम प्रकाश एस के द्वारा किया गया था जबकि स्पार्क सेजल वीपी पीवी और अरुण बोस की तरह किया गया था। सेंटू और सेरिन एक विवाहित जोड़े हैं जिनकी कोई संतान नहीं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब सेंटू का
भाई रूनी अपनी गर्भवती प्रेमिका मीनाक्षी के साथ उनके घर आ गए, जिसे अराजकता और अप्रत्याशित आशीर्वाद दोनों आते। मूवी फोटोग्राफी 24 अप्रैल 2023 को कोची में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इंद्रजीत सुकुमारन 29 अप्रैल 2023 को वरुण जी पनेकर की नजन करंथा सिरई ई की शूटिंग पूरी करने के बाद स्टेट पर शामिल हुई। फिल्म का जून 2023 के अंत में पूरा हुआ। संगीत विराज सागर की तरह रचा गया था, जबकि गीत विनायक शिव कुमार की तरह लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार म्यूजिक 24/7 की द्वारा हासिल किए गए थे। खबरें थी कि फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज होगी। विदेशी वितरण अधिकार रेस राज फिल्म और प्ले फिल्म को बेच दिए गए। इंद्रजीत का जन्म 7 दिसंबर 1979 को अभिनेता सुकुमारन और मल्लिका सुकुमारन के बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनकी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेता। इंद्रजीत की प्राथमिक स्कूली शिक्षा रायन वर्कर्नी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी नगर चेन्नई और सेंट जोसेफ की बॉयज स्कूल कन्नूर में हुई, क्योंकि उसका समय परिवार तमिलनाडु में बस गया था। बाद में जब परिवार केरल में स्थानांतरित हो गए तो उन्होंने अपनी शिक्षा NSS पब्लिक स्कूल पिरुथनी से मैरी रेजिडेंशियल सेंट्रल स्कूल पूजापुरा से की। उन्होंने अपनी बाकी स्कूल शिक्षा अपने भाई पृथ्वीराज के साथ सैनिक स्कूल कजहाकुटम में पूरी की। वहां पढ़ाई के दौरान वह टेनिस टीम के कप्तान थे। उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। उन्होंने तिरुनेलवेली जिले की राजांश इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और जब उन्होंने फिल्म करियर में प्रवेश किया तो वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रेक्षकों के रूप में काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में व्यस्त हो गए। उन्होंने 1986 में मलयालम फिल्म पदानी में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें लाल जोस की तरह निर्देशित ब्लॉक पोस्टर मीसा माघवन में उनकी खलनायक भूमिका इपेन पपची के लिए जाना गया। उन्होंने अनवर रसिक की छोटा मुंबई और साजी कैलाश की बाबा कल्याणी में मोहनलाल के साथ अभिनय किया। बाबा कल्याणी के में खलनायक के रूप में उनकी अभिनय को आलोचकों की तरह सराहे गए। उन्होंने फिल्म बेसा में ममूटी के साथ अभिनय किया। उन्होंने लाल जोश की फिल्म आरबी कथा और संतोष श्रीवन की बिफोर द रेंस में भी अभिनय किया। उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ कई फिल्मों में जोड़ी बनाई, जिसमें 26 की हिट फिल्म क्लासमेट्स में शामिल है। उन्होंने पज हस्ती राजा 29 की सफलता के बाद एम टी वासुदेवन नायर की तरह लिखित हरिहरन की फिल्म इजमाते वरु में विनीत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। मनीष रोमनाथ की तरह निर्देशित उनकी पहली हिंदी फिल्म द वेटिंग रूम जनवरी 2010 में रिलीज हुई थी। उन्होंने जोजो जर के साथ 22N की फिल्म मधुरम जय सूर्य के साथ, प्रणय सिफ्टी की फिल्म प्रथम आसिफ अली के साथ, 27 की फिल्म संडे हॉलीडे और 20 के साथ 22N की फिल्म काने काने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जया के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई। 2019 की तेलुगु फिल्म डियर कॉम्रेड में उन्होंने 2019 में जय सूर्य के साथ फिल्म अन्वेषण में भी अभिनय किया। अपने पति फ्रांसिस थॉमस के साथ रूति ने एंथोलॉजी फिल्म भूतम पोरुकलई के लिए इलमल इदो इंडोखंड लिखो जो 22 में रिलीज हुई। रीति ने मगुरा में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य क्रिटिकर्स एसोसिएशन के द्वारा अभिनय उत्कृष्टता के लिए विशेष जूरी उल्लेख जीता। रीति ने रंजीत शंकर के द्वारा निर्देशित फिल्म कमला के लिए 22 में 37 टॉमिंग कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रीति रामचंद्र का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और बाद में वे कोची केरल चली गए। उन्होंने अपनी मोटेसरी स्कूली शिक्षा लेडी आनंदाल वेक्टर सुबह राव स्कूल चेन्नई से की। बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिक से वरिष्ठ स्कूली शिक्षा द चॉइस स्कूल कोची में की। रीति एक प्रेक्षित वास्तुकार है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन मैसूर से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने स्नातक के बाद उन्होंने ISSB बार्सिलोना से सेल्फ सफी सी एंड ब्लेडिगंस में मास्टर्स करने से पहले
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरी की हर चेष्टा अधिकारी की फैन और मारी विलेन गोकू रंगल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। होम समाचार मैरी विलेन गोकू रंगल ओटीटी रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल ओटीटी रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल ओटीटी रिलीज की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गायत्री कृष्णा की 31 अगस्त 2022 को मलयालम फिल्म मारी विलेन गोकू रंगल जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अरुण बोस ने इस फिल्म का निर्देशन किया कि जिसमें इंद्रजीत कुमारन रीति रामचंद्रन सरजनो खालिद और विंसी सोनी एलेसियस मुख्य भूमिकाओं में हैं। मैरी विलेन गोकू रंगल डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा। 10 मई को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी ओटीटी रिलीज में देरी हो सकती है। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी ओटीटी रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सितंबर के मध्य या आखिरी हफ्ते में उपलब्ध होगी। मरी विलेन गोकू रंगल समीक्षा इंद्रजीत अभिनीत एक मानक फेयर गुड फेम है ना ज्यादा ना कम। नागेंद्र ही हनीमून डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध होने वाली पनीकर की तरह निर्देशित इस वेब श्रृंखला में मुख्य अभिनेता सूरज बेजरा मुंडू है। नागेंद्र की हनीमून की महत्वपूर्ण हिस्सों में ग्रेस एंटनी काने कुछ रोटी रेता मेनन अल्फी पंजीकरण और निरंजना अनूप है। फिल्म की ट्रेलर में समकालीन रिश्तों की बदलती गतिशीलता की खोज का सरदम दिया गया। सरजानो खालिद और विशेष सोनी एलेसियस ने रोनी और मीनाक्षी की भूमिका निभाई जो प्यार में है और माता पिता बनने वाले, जबकि सीनू और सेरिनी क्रॉमस इंद्रजीत सुकुमारन और रीति रामचंद्र विवाहित जुड़े हैं। उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते और वे शादी और प्यार को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब वादा वाला सीनू और सेरिन के साथ रहते ओटीटी प्ले की समीक्षा के अनुसार मरी विलेन गोकू रंगल एक फेल मूड मूवी है जो बहुत ज़्यादा खोजबीन किए बिना सिर्फ एक सुरक्षित फॉर्मूले पर टिके हुए। फिल्म के सहायक कलाकारों में सलीम कुमार, बिंदु पनेकर, साई कुमार और जानी एंटनी शामिल। फिल्म की पटकथा निर्देशन और प्रमोद मोहन ने लिखी कि इस फिल्म के लिए विधा सागर ने साउंडिक तैयार किया है। मरी विलेन गोकू रंगल के निर्देशन अरुण बोस का कहना है कि इस शैली में फिल्म बनाना आसान नहीं है। एक्सलेस की शेयर करें और समीक्षकों के लिए नकारात्मक के मूवी रिव्यू किया गया था और मारी विलेन गोकू रंगल के लिए समीक्षकों के नकारात्मक किया गया था। इंद्रजीत के लिए ही समीक्षकों के नकारात्मक और दोनों के लिए ही मारी विलेन गोकू रंगल की समीक्षकों की मारी विलेन गोकू रंगल अरुण बोस की तरह निर्देशित 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है। कहानी अरुण बोस और प्रमोद फिल्म है। कहानी अरुण बोस प्रमोद मोहन की तरह लिखी गई थी। इसमें इंद्रजीत सुकुमारन रीति रामचंद्रन सरजानो खारिद और विंसी की एडेसियस शामिल है। इसे 10 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था।
मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 के अंत में शुरू हुई और जून 2023 के अंत में समाप्त हुई। फिल्म संगीत विराज सागर ने दिया, छायांकन श्याम प्रकाश एस के डायरेक्ट किया गया था, जबकि इंस्पायरिंग सेजर वीपी पीवी और अरुण बोस की तरह किया गया था। सेंटू और सेरिन एक विवाहित जोड़े जिनकी कोई संतान नहीं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब सेंटू का भाई रूनी अपनी गर्भवती प्रेमिका मीनाक्षी के साथ उनके घर आता है, जिसे अराजकता और अप्रत्याशित आशीर्वाद दोनों आते। मुख्य फोटोग्राफी 24 अप्रैल 2023 को कोची में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इंद्रजीत सुकुमारन 29 अप्रैल 2023 को वरुण जी बनेकर की नजन कडंथा सिरई ई की शूटिंग पूरी करने के बाद स्टेट पर शामिल हुई। फिल्म का जून 2023 के अंत में पूरा हुआ। संगीत विराज सागर की तरह रचा गया था, जबकि गीत विनायक शशि कुमार की तरह लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार म्यूजिक 24/7 की द्वारा हासिल किए गए थे। खबरें थी कि फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज होगी। विदेशी वितरण अधिकार देश राज फिल्म और प्ले फिल्म को बेच दिए गए। इंद्रजीत का जन्म 7 दिसंबर 1979 को अभिनेता सुकुमारन और मल्लिका सुकुमारन के बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनकी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेता। इंद्रजीत की प्राथमिक स्कूली शिक्षा रायनगर करनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी नगर चेन्नई और सेंट जोसेफ की बॉयज स्कूल कन्नूर में हुई, क्योंकि उसका समय परिवार तमिलनाडु में बस गया था। बाद में जब परिवार केरल में स्थानांतरित हो गए तो उन्होंने अपनी शिक्षा द NSS पब्लिक स्कूल पिरुथनी से मैरी रेजिडेंशियल सेंट्रल स्कूल पूजापुरा से की। उन्होंने अपनी बाकी स्कूल शिक्षा अपने भाई पृथ्वीराज के साथ सैनिक स्कूल कजहाकूटम में पूरी की। वहां पढ़ाई के दौरान वह टेनिस टीम के कप्तान थे। उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। उन्होंने तिरुनेलवेली जिले की राजांश इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और जब उन्होंने फिल्म करियर में प्रवेश किया तो वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रेक्षु के रूप में काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में व्यस्त हो गए। उन्होंने 1986 में मलयालम फिल्म पदानी में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें लाल जोश की तरह निर्देशित ब्लॉक पोस्टर मीसा मागवन में उनकी खलनायक भूमिका इपेन पचा पप्पा जी के लिए जाना गया। उन्होंने अनवर रसिक की छोटा मुंबई और साजी कैलाश की बाबा कल्याणी में मोहन लाल के साथ अभिनय किया। बाबा कल्याणी के में खलनायक के रूप में उनकी अभिनय को आलोचकों की तरह सराहे गए। उन्होंने फिल्म बेसर में ममूटी के साथ अभिनय किया। उन्होंने लाल जोश की फिल्म अरबी कथा और संतोष सिवन की बिफोर द रेंस में भी अभिनय किया। उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ कई फिल्मों में जोड़ी बनाई, जिसमें 26 की हिट फिल्म क्लासमेट्स में शामिल है। उन्होंने पज हस्ती राजा 29 की सफलता के बाद MT वासुदेवन नायर की तरह लिखित हरिहरन की फिल्म इजमाते वरु में विनीत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। मनीष रोमनाथ की तरह निर्देशित उनकी पहली हिंदी फिल्म द वेटिंग रूम जनवरी 2010 में रिलीज हुई थी। उन्होंने जोजो जेल के साथ 22N की फिल्म मधुरम जय सूर्या के साथ, 2016 की फिल्म प्रथम आसिफ अली के साथ, 2017 की फिल्म संडे हॉलीडे और 20 के साथ 22N की फिल्म काने काने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जया के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई। 2019 की तेलुगु फिल्म डियर कॉम्रेड में उन्होंने 2019 में जय सूर्या के साथ फिल्म अन्वेषण में भी अभिनय किया। अपने पति फ्रांसिस थॉमस के साथ रुति ने एंथोलॉजी फिल्म पूतम पुरुकलई के लिए इलमल इदो इंडोखंड लिखो जो 22 में रिलीज हुई। रीति ने मगुरा में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य क्रिटिकल्स एसोसिएशन के द्वारा अभिनय उत्कृष्टता के लिए विशेष जूरी उल्लेख जीता। रीति ने रंजीत शंकर के द्वारा निर्देशित फिल्म कमला के लिए 22 में 37 टॉमिंग कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रीति रामचंद्र का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और बाद में वे कोची केरल चली गए।
उन्होंने अपनी मोंटेसरी स्कूल शिक्षा लेडी एंड डार्लिंग विक्टर सुब्बा राव स्कूल चेन्नई से की। बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिक से वरिष्ठ स्कूली शिक्षा द चॉइस स्कूल कोची में की। रीति एक प्रेक्षित वास्तुकार है जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन मैसूर से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने स्नातक के बाद उन्होंने ISSC बार्सिलोना से सेल्फ सफिशिएंट ब्लेडिगंस में मास्टर्स करने से पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरिविन की हर चेष्टा अधिकारी की फैन हो और मारी विलेन गोकू रंगल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। होम समाचार मैरी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गायत्री कृष्णा की 31 अगस्त 2022 को मलयालम फिल्म मारी विलेन गोकू रंगल जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अरुण बोस ने इस फिल्म का निर्देशन किया कि जिसमें इंद्रजीत कुमारन रीति रामचंद्रन सरजनो खालिद और विंसी सोनी एडेसियस मुख्य भूमिकाओं में हैं। मैरी विलेन गोकू रंगल डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा। 10 मई को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिज्ञा नहीं मिली जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सितंबर के मध्य या आखिरी हफ्ते में उपलब्ध होगी। मरी विलेन गोकू रंगल समीक्षा इंद्रजीत अभिनीत एक मानक फेयर गुड फेम है न ज़्यादा न कम। नागेंद्र ही हनीमून डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध होने वाली पनीकर की तरह निर्देशित इस वेब श्रृंखला में मुख्य अभिनेता सूरज बेजरा मुंडू है। नागेंद्र की हनीमून की महत्वपूर्ण हिस्सों में ग्रेस एंटनी काने कुछ रोति रेता मेनन अल्फी पंजीकरण और निरंजना अनूप है। फिल्म की ट्रेलर में समकालीन रिश्तों की बदलती गतिशीलता की खोज का सरदम दिया गया। सरजानो खालिद और विशेष सोनी एलेसियस ने रोनी और मीनाक्षी की भूमिका निभाई जो प्यार में है और माता पिता बनने वाले, जबकि सीनू और सेरिनी क्रॉमस इंद्रजीत सुकुमारन और रीति रामचंद्र विवाहित जोड़े हैं। उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते और वे शादी और प्यार को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब वादा वाला सीनू और सेरिन के साथ रहते OTT प्ले की समीक्षा के अनुसार मरी विलेन गोकू रंगल एक फेयर मूड मूवी है जो बहुत ज़्यादा खोजबीन किए बिना सिर्फ एक सुरक्षित फॉर्मूले पर टिके हुए। फिल्म के सहायक कलाकारों में सलीम कुमार, बिंदु पनेकर, साई कुमार और जानी एंटनी शामिल। फिल्म की प्रकटन निर्देशन और प्रमोद मोहन ने लिखी कि इस फिल्म के लिए विधा सागर ने साउंडिक तैयार किया है। मरी विलेन गोकू रंगल के निर्देशन अरुण बोस का कहना है कि इस शैली में फिल्म बनाना आसान नहीं है। एक्सलेस की शेयर करें और समीक्षकों के लिए नकारात्मक की मूवी रिव्यू किया गया था और मारी विलेन गोकू रंगल के लिए समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। इंद्रजीत के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही मारी विलेन गोकू रंगल की समीक्षकों की
मारी विरिंग गोकुल रंगल अरुण बोस की तरह निर्देशित 24 की भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है। कहानी अरुण बोस और प्रमोद फिल्म है। कहानी अरुण बोस प्रमोद मोहन की तरह लिखी गई थी। इसमें इंद्रजीत सुकुमार, रीति रामचंद्रन, सरजानू खारिद और विंसी की एडेसियस शामिल है। इसे 10 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 के अंत में शुरू हुई और जून 2023 के अंत में समाप्त हुई। फिल्म संगीत विधा सागर ने दिया। छायांकन श्याम प्रकाश एस के द्वारा किया गया था, जबकि स्पार्क सैजल वीपी पीवी और अरुण बोस की द्वारा किया गया था। सेंटू और सेरिन एक विवाहित जोड़े हैं जिनकी कोई संतान नहीं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब सेंटू का भाई रूनी अपनी गर्भवती प्रेमिका मीनाक्षी के साथ उनके घर आते हैं, जिसे अराजकता और अप्रत्याशित आशीर्वाद दोनों आते हैं। मुख्य फोटोग्राफी 24 अप्रैल 2023 को कोची में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इंद्रजीत सुकुमारन 29 अप्रैल 2023 को वरुण जी पनेकर की नजन कड़ंथा सिरई ई की शूटिंग पूरी करने के बाद सेट पर शामिल हुई। फिल्म का जून 2023 के अंत में पूरा हुआ। संगीत विराज सागर की दरा रचा गया था, जबकि गीत विनायक सिंह कुमार की दरा लिखी गई है। ऑडियो अधिकार म्यूजिक 24/7 की द्वारा हासिल किए गए थे। खबरें थी कि फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज होगी। विदेशी वितरण अधिकार रेस राज फिल्म और प्ले फिल्म को बेच दिए गए। इंद्रजीत का जन्म 7 दिसंबर 1979 को अभिनेता सुकुमारन और मल्लिका सुकुमारन के बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनकी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेता। इंद्रजीत की प्राथमिक स्कूली शिक्षा रायन करनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी नगर चेन्नई और सेंट जोसेफ की बॉयज स्कूल कन्नूर में हुई, क्योंकि उसका समय परिवार तमिलनाडु में बस गया था। बाद में जब परिवार केरल में स्थानांतरित हो गए तो उन्होंने अपनी शिक्षा NSS पब्लिक स्कूल पिरुथनी से मैरी रेजिडेंशियल सेंटर स्कूल पूजापुरा से की। उन्होंने अपनी बाकी स्कूल शिक्षा अपने भाई पृथ्वीराज के साथ सैनिक स्कूल कजहाकुटम में पूरी की। वहां पढ़ाई के दौरान वह टेनिस टीम के कप्तान थे। उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। उन्होंने तिरुनेलवेली जिले की राजांश इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और जब उन्होंने फिल्म करियर में प्रवेश किया तो वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रशिक्षु के रूप में काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में व्यस्त हो गए। उन्होंने 1986 में मलयालम फिल्म पदानी में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें लाल जोश की तरह निर्देशित ब्लॉक पोस्टर मीसा माघवन में उनकी खलनायक भूमिका इपेन पपची के लिए जाना गया। उन्होंने अनवर रसीद की छोटा मुंबई और साजी कैलाश की बाबा कल्याणी में मोहन लाल के साथ अभिनय किया। बाबा कल्याणी की में खलनायक के रूप में उनकी अभिनय को आलोचकों की तरह सराहा गया। उन्होंने फिल्म बेसा में ममूटी के साथ अभिनय किया। उन्होंने लाल जोश की फिल्म आरबी कथा और संतोष सिवन की बिफोर द रेंस में भी अभिनय किया। उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ कई फिल्मों में जोड़ी बनाई, जिसमें 26 की हिट फिल्म क्लासमेट्स में शामिल है। उन्होंने पज हस्ती राजा 29 की सफलता के बाद MT वासुदेवन नायर की द्वारा लिखित हरिहरन की फिल्म इज़्ज़ते वरु में विनीत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। मनीष रोमनाथ की द्वारा निर्देशित उनकी पहली हिंदी फिल्म द वेटिंग रूम जनवरी 2010 में रिलीज हुई थी। उन्होंने जोजो जेल के साथ 22N की फिल्म मधुरम जय सूर्या के साथ 2016 की फिल्म प्रथम आसिफ अली के साथ 27 की फिल्म संडे हॉलीडे और 20 के साथ 22N की फिल्म काने काने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जया के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई। 2019 की तेलुगु फिल्म डियर कॉमरेड में उन्होंने 2019 में जय सूर्या के साथ फिल्म अन्वेषण में भी अभिनय किया। अपने पति फ्रांसिस थॉमस के साथ रूती ने एंथोलॉजी फिल्म पूतम पुरुकलई के लिए इलमल इदो इंडो खंड लिखो, जो 20
2 में रिलीज हुई। रीति ने मागुरा में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य क्रिटिकर्स एसोसिएशन के द्वारा अभिनय उत्कृष्टता के लिए विशेष जूरी उल्लेख जीता। रीति ने रंजीत शंकर के द्वारा निर्देशित फिल्म कमला के लिए 22 में 37 डॉमिंग कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रीति रामचंद्र का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और बाद में वे कोची केरल चली गए। उन्होंने अपनी मोंटेसरी स्कूली शिक्षा लेडी आयनडार्न विक्टर सुब्बा राव स्कूल चेन्नई से की। बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिक से वरिष्ठ स्कूली शिक्षा द चॉइस स्कूल कोची में की। रीति एक प्रेक्षित वास्तुकार है जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन मैसूर से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने स्नातक के बाद उन्होंने ISSC बार्सिलोना से सेल्फ सफी एंड ब्लेडिगंस में मास्टर्स करने से पहले चीज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरीविन की हर श्रेष्ठा अधिकारी की फैन हो और मारी विलेन गोकू रंगल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। होम समाचार मैरी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज के नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गायत्री कृष्णा की 31 अगस्त 2022 को मलयालम फिल्म मारी विलेन गोकू रंगल जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अरुण बोस ने इस फिल्म का निर्देशन किया कि जिसमें इंद्रजीत कुमारन रीति रामचंद्रन सरजनो खालिद और विंसी सोनी एलेसियस मुख्य भूमिकाओं में हैं। मैरी विलेन गोकू रंगल डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा। 10 मई को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सितंबर के मध्य या आखिरी हफ्ते में उपलब्ध होगी। मरी विलेन गोकू रंगल समीक्षा इंद्रजीत अभिनीत एक मानक फेसबुक फेम है न ज्यादा न कम। नागेंद्र ही हनीमून डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध होने वाली पनीकर की तरह निर्देशित इस वेब श्रृंखला में मुख्य अभिनेता सूरज बेजरा मुंडू है। नागेंद्र की हनीमून की महत्वपूर्ण हिस्सों में ग्रेस एंटनी काने कुसरूती रेता मेनन अल्फी पंजीकरण और निरंजना अनूप है। फिल्म की ट्रेलर में समकालीन रिश्तों की बदलती गतिशीलता की खोज का सरदम दिया गया। सरजानो खालिद और विशी सोनी एलेसियस ने रोनी और मीनाक्षी की भूमिका निभाई जो प्यार में है और माता पिता बनने वाले, जबकि सीनू और सीरीनी क्रॉमस इंद्रजीत सुकुमारन और रीति रामचंद्र विवाहित जोड़े हैं। उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते और वे शादी और प्यार को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब वादा वाला सीनू और सीरीन के साथ रहते OTT प्ले की समीक्षा के अनुसार मरीवली गोकू रंगल एक फेयर मोड मूवी है जो बहुत ज़्यादा खोजबीन किए बिना सिर्फ एक सुरक्षित फॉर्मूले पर टिके हुए। फिल्म के सहायक कलाकारों में सलीम कुमार, बिंदु पनेकर, साई कुमार और जानी एंटनी शामिल। फिल्म की पटकथा निर्देशन और प्रमोद मोहन ने लिखी कि इस फिल्म के लिए विद्यासागर ने साउंडिक तैयार किया है। मरी विलेन गोकू रंगल के निर्देशन अरुण बोस का कहना है कि इस शैली में फिल्म बनाना आसान नहीं है। एक्सलेस की शेयर करें
और समीक्षकों के लिए नकारात्मक इमोजी रिव्यू किया गया था और मारी विलिंग गोपुरंगा के लिए समीक्षकों के नकारात्मक किया गया था। इंद्रजीत के लिए ही समीक्षकों के नकारात्मक और दोनों के लिए ही मारी विलीन गोपुरंगर की समीक्षकों की मारी विलीन गोपुरंगर अरुण बोस की तरह निर्देशित 24 की भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है। कहानी अरुण बोस और प्रमोद फिल्म है। कहानी अरुण बोस प्रमोद मोहन की तरह लिखी गई थी। इसमें इंद्रजीत सुकुमार रीति रामचंद्रन सर जानू खारी और विंसी की एडेसियस शामिल है। इसे 10 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 के अंत में शुरू हुई और जून 2023 के अंत में समाप्त हुई। फिल्म संगीत विराज सागर ने दिया। छायांकन श्याम प्रकाश एस की तरह किया गया था जबकि इंस्पायरिंग सेजर वीपी पीवी और अरुण बोस की तरह किया गया था। सेंटू और सेरिन एक विवाहित जोड़े हैं जिनकी कोई संतान नहीं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब सेंटू का भाई रूनी अपनी गर्भवती प्रेमिका मीनाक्षी के साथ उनके घर आते हैं जिसे अराजकता और अप्रत्याशित आशीर्वाद दोनों आते हैं। मुख्य फोटोग्राफी 24 अप्रैल 2023 को कोची में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इंद्रजीत सुकुमारन 29 अप्रैल 2023 को वरुण जी पनीकर की नजन कडंथा सिरई ई की शूटिंग पूरी करने के बाद स्टेट पर शामिल हुई। फिल्म का जून 2023 के अंत में पूरा हुआ। संगीत विराज सागर की तरह रचा गया था जबकि गीत विनायक सिद्ध कुमार की तरह लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार म्यूजिक 24/7 हाँ की द्वारा हासिल किए गए थे। खबरें थी कि फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज होगी। विदेशी वितरण अधिकार रेस राज फिल्म और प्ले फिल्म को बेच दिए गए। इंद्रजीत का जन्म 7 दिसंबर 1979 को अभिनेता सुकुमारन और मल्लिका सुकुमारन के बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनकी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेता। इंद्रजीत की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा रायन वर्कर्नी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी नगर चेन्नई और सेंट जोसेफ की बॉयज स्कूल कन्नूर में हुई क्योंकि उसका समय परिवार तमिलनाडु में बस गया था। बाद में जब परिवार केरल में स्थानांतरित हो गए तो उन्होंने अपनी शिक्षा द NSS पब्लिक स्कूल पिरुथनी से मैरी रेजिडेंशियल सेंट्रल स्कूल पूजापुरा से की। उन्होंने अपनी बाकी स्कूल शिक्षा अपने भाई पृथ्वीराज के साथ सैनिक स्कूल कजहाकुटम में पूरी की। वहां पढ़ाई के दौरान वह टेनिस टीम के कप्तान थे। उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। उन्होंने तिरुनेलवेली जिले की राजांस इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और जब उन्होंने फिल्म करियर में प्रवेश किया तो वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रेक्षकों के रूप में काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में व्यस्त हो गए। उन्होंने 1986 में मलयालम फिल्म पदानी में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें लाल जोश की तरह निर्देशित ब्लॉक पोस्टर मीसा माघवन में उनकी खलनायक भूमिका इपेन पपची के लिए जाना गया। उन्होंने अनवर रशीद की छोटा मुंबई और साजी कैलाश की बाबा कल्याणी में मोहन लाल के साथ अभिनय किया। बाबा कल्याणी की में खलनायक के रूप में उनकी अभिनय को आलोचकों की तरह सराहा गया। उन्होंने फिल्म बेसर में ममूटी के साथ अभिनय किया। उन्होंने लाल जोश की फिल्म आरबी कथा और संतोष सिवन की बिफोर द रेंस में भी अभिनय किया। उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ कई फिल्मों में जोड़ी बनाई जिसमें 26 की हिट फिल्म क्लासमेट्स में शामिल है। उन्होंने पज हस्ती राजा 29 की सफलता के बाद MT वासुदेवन नायर की तरह लिखित हरिहरन की फिल्म इजमाते वरु में विनीत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। मनीष रोमनाथ की तरह निर्देशित उनकी पहली हिंदी फिल्म द वेटिंग रूम जनवरी 2010 में रिलीज हुई थी। उन्होंने जोजू जेल के साथ 22N की फिल्म मधुरम जयसूर्या के साथ 2016 की फिल्म प्रथम आसिफ अली के साथ 27 की फिल्म संडे हॉलीडे और 20 के साथ 22N की फिल्म काने काने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जया के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई। 2019 की तेलुगु फिल्म
डियर कॉमरेड में उन्होंने 2019 में जय सूर्या के साथ फिल्म अन्वेषण में भी अभिनय किया। अपने पति प्रसिद्ध रमेश के साथ रुति ने एंथोलॉजी फिल्म पूतम पुरुकलई के लिए इलमल इदो इंडोखंड लिखो जो 2022 में रिलीज हुई। रीति ने मगुरा में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य की टिकट एसोसिएशन के द्वारा अभिनय उत्कृष्टता के लिए विशेष जूरी उल्लेख जीता। रीति ने रंजीत शंकर के द्वारा निर्देशित फिल्म कमला के लिए 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉमिंग कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रीति रामचंद्र का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और बाद में वे कोची केरल चली गए। उन्होंने अपनी मोंटेसरी स्कूली शिक्षा लेडी आयनडार्म विक्टर सुब्बा राव स्कूल चेन्नई से की। बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिक से वरिष्ठ स्कूली शिक्षा द चॉइस स्कूल कोची में की। रीति एक प्रेक्षित वास्तुकार है जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन मैसूर से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने स्नातक के बाद उन्होंने ISSC बार्सिलोना से सेल्फ सफिशिएंट ब्लेडिगंस में मास्टर्स करने से पहले चीज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरीविन की हर चेष्टा अधिकारी की फैन हो और मारी विलेन गोकू रंगल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। होम समाचार, मैरी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज, इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज, इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गायत्री कृष्णा की 31 अगस्त 2022 को मलयालम फिल्म मारी विलेन गोकू रंगल जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अरुण बोस ने इस फिल्म का निर्देशन किया कि जिसमें इंद्रजीत कुमारन, रीति रामचंद्रन, सरजनो खालिद और विंसी सोनी एरेसियस मुख्य भूमिकाओं में हैं। मैरी विलेन गोकू रंगल डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा। 10 मई को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सितंबर के मध्य या आखिरी हफ्ते में उपलब्ध होगी। मरी विलेन गोकू रंगल समीक्षा इंद्रजीत अभिनीत एक मानक फेयर गुड फिल्म है, न ज्यादा न कम। नागेंद्र ही हनीमून डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध होने वाली पनीकर की तरह निर्देशित इस वेब श्रृंखला में मुख्य अभिनेता सूरज बेजरा मुंडू है। नागेंद्र की हनीमून की महत्वपूर्ण हिस्सों में ग्रेस एंटनी काने कुछ रोती रेता मेनन अल्फी पंजीकरण और निरंजना अनूप है। फिल्म की ट्रेलर में समकालीन रिश्तों की बदलती गतिशीलता की खोज का सरदम दिया गया। सरजानो खालिद और विशी सोनी एलेसियस ने रोनी और मीनाक्षी की भूमिका निभाई जो प्यार में है और माता पिता बनने वाले, जबकि सीनू और सेरिनी क्रॉमस इंद्रजीत सुकुमारन और रीति रामचंद्र विवाहित जोड़े हैं। उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते और वे शादी और प्यार को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब वादा वाला सीनू और सेरिन के साथ रहते OTT प्ले की समीक्षा के अनुसार मरी विलेन गोकू रंगल एक फील मूड मूवी है जो बहुत ज़्यादा
खोजबीन किए बिना सिर्फ एक सुरक्षित फॉर्मूले पर टिके हुए। फिल्म के सहायक कलाकारों में सलीम कुमार, बिंदु पनेकर, साई कुमार और जानी एंटनी शामिल। फिल्म की पटकथा, निर्देशन और प्रमोद मोहन ने लिखी कि इस फिल्म के लिए विद्यासागर ने साउंड तैयार किया है। मृवलिन गोपुरंगल के निर्देशन। अरुण बोस का कहना है कि इस शैली में फिल्म बनाना आसान नहीं है। एक्सलेस की शेयर करें और समीक्षकों के लिए नकारात्मक की मूवी रिव्यू किया गया था और मृवलिन गोपुरंगल के लिए समीक्षकों की नकारात्मक किया गया था। इंद्रजीत के लिए समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही मृवलिन गोपुरंगल की समीक्षकों की मृवलिन गोपुरंगल। अरुण बोस की तरह निर्देशित 24 की भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है। कहानी अरुण बोस और प्रमोद फिल्म है। कहानी अरुण बोस प्रमोद मोहन की तरह लिखी गई थी। इसमें इंद्रजीत सुकुमार, रीति रामचंद्रन, सरजानो खारिद और विंसी की एडेसियस शामिल है। इसे 10 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 के अंत में शुरू हुई और जून 2023 के अंत में समाप्त हुई। फिल्म संगीत विराज सागर ने दिया। छायांकन श्याम प्रकाश एस के द्वारा किया गया था, जबकि स्पारस सैजल वीपी पीवी और अरुण बोस की तरह किया गया था। सेंटू और सेरिन एक विवाहित जोड़े जिनकी कोई संतान नहीं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब सेंटू का भाई रूनी अपने गर्भवती प्रेमिका मीनाक्षी के साथ उनके घर आते हैं, जिसे अराजकता और अप्रत्याशित आशीर्वाद दोनों आते। मुख्य फोटोग्राफी 24 अप्रैल 2023 को कोची में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इंद्रजीत सुकुमारन 29 अप्रैल 2023 को वरुण जी पनेकर की नजन करंथा सिरई ई की शूटिंग पूरी करने के बाद स्टेट पर शामिल हुई। फिल्म मकान जून 2023 के अंत में पूरा हुआ। संगीत विराज सागर की दरअ रचा गया था, जबकि गीत विनायक शिव कुमार की दरअ लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार म्यूजिक 24/7 की द्वारा हासिल किए गए थे। खबरें थी कि फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज होगी। विदेशी वितरण अधिकार रेस राज फिल्म और प्ले फिल्म को बेच दिए गए। इंद्रजीत का जन्म 7 दिसंबर 1979 को अभिनेता सुकुमारन और मल्लिका सुकुमारन के बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनकी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेता। इंद्रजीत की प्राथमिक स्कूली शिक्षा रायन वर्कर्नी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी नगर चेन्नई और सेंट जोसेफ की बॉयज स्कूल कन्नूर में हुई, क्योंकि उसका समय परिवार तमिलनाडु में बस गया था। बाद में जब परिवार केरल में स्थानांतरित हो गए तो उन्होंने अपनी शिक्षा NSS पब्लिक स्कूल पिरुथनी से, मैरी रेजिडेंशियल सेंट्रल स्कूल पूजापुरा से की। उन्होंने अपनी बाकी स्कूल शिक्षा अपने भाई पृथ्वीराज के साथ सैनिक स्कूल कजहाकुटम में पूरी की। वहां पढ़ाई के दौरान वह टेनिस टीम के कप्तान थे। उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। उन्होंने तिरुनेलवेली जिले की राजांश इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और जब उन्होंने फिल्म करियर में प्रवेश किया तो वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रेक्षकों के रूप में काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में व्यस्त हो गए। उन्होंने 1986 में मलयालम फिल्म पदानी में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें लाल जोस की तरह निर्देशित ब्लॉक पोस्टर मीसा माघवन में उनकी खलनायक भूमिका इपेन पपची के लिए जाना गया। उन्होंने अनवर रसिक के छोटा मुंबई और साजी कैलाश की बाबा कल्याणी में मोहनलाल के साथ अभिनय किया। बाबा कल्याणी के में खलनायक के रूप में उनकी अभिनय को आलोचकों की तरह सराहे गए। उन्होंने फिल्म बेसर में ममूटी के साथ अभिनय किया। उन्होंने लाल जोश की फिल्म अरबी कथा और संतोष श्रीवन की बिफोर द रेंस में भी अभिनय किया। उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ कई फिल्मों में जोड़ी बनाई, जिसमें 26 की हिट फिल्म क्लासमेट्स में शामिल है। उन्होंने पज हस्ती राजा 29 की सफलता के बाद एम टी वासुदेवन नायर की दर लिखित हरिहरन की फिल्म
इस माते वरु में विनीत के साथ मुख्य भूमिका निभाई। मनीष रोमनाथ इधर निर्देशित उनकी पहली हिंदी फिल्म द वेटिंग रूम जनवरी 2010 में रिलीज हुई थी। उन्होंने जोजो जेल के साथ 2021 की फिल्म मधुरम जय सूर्या के साथ, प्रणय सिफ्टी की फिल्म प्रथम आसिफ अली के साथ, 27 की फिल्म संडे हॉलीडे और 20 के साथ 2021 की फिल्म काने काने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने जया के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई। 2019 की तेलुगु फिल्म डियर कॉम्रेड में उन्होंने 2019 में जय सूर्या के साथ फिल्म अन्वेषण में भी अभिनय किया। अपने पति फ्रांसिस थॉमस के साथ रुति ने एंथोलॉजी फिल्म पूतम पुरुकलई के लिए इलमल इदो इंडोखंड लिखो जो 2022 में रिलीज हुई। रीति ने मगुरा में अपने प्रदर्शन के लिए केरल राज्य क्रिटिकर्स एसोसिएशन के द्वारा अभिनय उत्कृष्टता के लिए विशेष जूरी उल्लेख जीता। रीति ने रंजीत शंकर के द्वारा निर्देशित फिल्म कमला के लिए 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉमिंग कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। रीति रामचंद्र का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और बाद में वे कोची केरल चली गए। उन्होंने अपनी मोंटेसरी स्कूल से शिक्षा लेडी आनंदाल वेक्टर सुब्बा राव स्कूल चेन्नई से की। बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिक से वरिष्ठ स्कूली शिक्षा द चॉइस स्कूल कोची में की। रीति एक प्रेक्षित वास्तुकार है जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन मैसूर से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने स्नातक के बाद उन्होंने ISSC बार्सिलोना से सेल्फ सफिशिएंट ब्लेडिगंस में मास्टर्स करने से पहले चीज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरी की हर चेष्टा अधिकारी की फैन हो और मारी विलेन गोकू रंगल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। होम समाचार मैरी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज इंद्रजीत सुकुमारन की रोम क्रॉम जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। मारी विलेन गोकू रंगल OTT रिलीज की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गायत्री कृष्णा की 31 अगस्त 2022 को मलयालम फिल्म मारी विलेन गोकू रंगल जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि निर्माताओं ने इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अरुण बोस ने इस फिल्म का निर्देशन किया कि जिसमें इंद्रजीत कुमारन रीति रामचंद्रन सरजनो खालिद और विंसी सोनी एलेसियस मुख्य भूमिकाओं में हैं। मैरी विलेन गोकू रंगल डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा। 10 मई को बड़े पर्दे पर आई इस फिल्म को दर्शकों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसके कारण इसकी OTT रिलीज में देरी हो सकती। हालांकि अब खबर है कि डिज्नी हॉटस्टार ने इस रोमांटिक कॉमेडी में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म सितंबर के मध्य या आखिरी हफ्ते में उपलब्ध होगी। मरी विलेन गोकू रंगल समीक्षा इंद्रजीत अभिनीत एक मानक फेयर गुड फिल्म है, न ज्यादा न कम। नागेंद्र ही हनीमून डिज्नी हॉटस्टार पर उपलब्ध होने वाली पनीकर की तरह निर्देशित इस वेब श्रृंखला में मुख्य अभिनेता सूरज बेजरा मुंडू है। नागेंद्र की हनीमून की महत्वपूर्ण हिस्सों में ग्रेस एंटनी काने कुछ रोति रेता मेनन अल्फी पंजीकरण और निरंजना अनूप है। फिल्म की ट्रेलर में समकालीन रिश्तों की बदलती गतिशीलता की खोज का सरदम दिया गया।
सरजानो खालिद और वीसी सोनी एलेसियस ने रोनी और मीनाक्षी की भूमिका निभाई जो प्यार में है और माता पिता बनने वाले, जबकि सीनू और सेरिनी क्रोमस इंद्रजीत सुकुमारन और रीति रामचंद्र विवाहित जुड़े हैं। उनके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते और वे शादी और प्यार को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब वादा वाला सीनू और सेरिन के साथ रहते ओटीटी प्ले की समीक्षा के अनुसार मरिवली गोपुरंगर एक फेल मोड मूवी है जो बहुत ज़्यादा खोजबीन किए बिना सिर्फ एक सुरक्षित फॉर्मूले पर टिके हुए। फिल्म के सहायक कलाकारों में सलीम कुमार, बिंदु पनेकर, साई कुमार और जानी एंटनी शामिल। फिल्म की पटकथा, निर्देशन और प्रमोद मोहन ने लिखी कि इस फिल्म के लिए विधा सागर ने साउंडिक तैयार किया है। मरिवली गोपुरंगर के निर्देशन अरुण बोस का कहना है कि इस शैली में फिल्म बनाना आसान नहीं है। एक्सलेस की शेयर करें और समीक्षकों के लिए नकारात्मक के मूवी रिव्यू किया गया था और मरिवली गोपुरंगर के लिए समीक्षकों के नकारात्मक किया गया था। इंद्रजीत के लिए समीक्षकों के नकारात्मक और दोनों के लिए ही मरिवली गोपुरंगर की समीक्षकों की मरिवली गोपुरंगर अरुण बोस की तरह निर्देशित 224 की भारतीय मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म है। कहानी अरुण बोस और प्रमोद फिल्म है। कहानी अरुण बोस प्रमोद मोहन की तरह लिखी गई थी। इसमें इंद्रजीत सुकुमारन, रीति रामचंद्रन, सरजानो खारिद और विंसी की एडेसियस शामिल है। इसे 10 मई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 के अंत में शुरू हुई और जून 2023 के अंत में समाप्त हुई। फिल्म संगीत विधा सागर ने दिया। छायांकन श्याम प्रकाश एस के द्वारा किया गया था जबकि स्पारन सैजल वीपी पीवी और अरुण बोस की तरह किया गया था। सेंटू और सेरिन एक विवाहित जोड़े हैं जिनकी कोई संतान नहीं। उनका जीवन तब बदल जाता है जब सेंटू का भाई रूनी अपनी गर्भवती प्रेमिका मीनाक्षी के साथ उनके घर आते हैं, जिसे अराजकता और अप्रत्याशित आशीर्वाद दोनों आते। मुख्य फोटोग्राफी 24 अप्रैल 2023 को कोची में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इंद्रजीत सुकुमारन 29 अप्रैल 2023 को वरुण जी पनेकर की नजन कडंथा सिरई ई की शूटिंग पूरी करने के बाद सेट पर शामिल हुई। फिल्म का जून 2023 के अंत में पूरा हुआ। संगीत विराज सागर की तरह रचा गया था जबकि गीत विनायक सिंह कुमार की तरह लिखे गए थे। ऑडियो अधिकार म्यूजिक 24/7 की द्वारा हासिल किए गए थे। खबरें थी कि फिल्म नवंबर 2023 में रिलीज होगी। विदेशी वितरण अधिकार देश राज फिल्म और प्ले फिल्म को बेच दिए गए। इंद्रजीत का जन्म 7 दिसंबर 1979 को अभिनेता सुकुमारन और मल्लिका सुकुमारन के बड़े बेटे के रूप में हुआ था। उनकी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन भी दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेता। इंद्रजीत की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा रायनगर करनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल टी नगर चेन्नई और सेंट जोसेफ की बॉयज स्कूल कन्नूर में हुई क्योंकि उसका समय परिवार तमिलनाडु में बस गया था। बाद में जब परिवार केरल में स्थानांतरित हो गए तो उन्होंने अपनी शिक्षा द NSS पब्लिक स्कूल पिरुथनी से मैरी रेजिडेंशियल सेंट्रल स्कूल पूजापुरा से की। उन्होंने अपनी बाकी स्कूल शिक्षा अपने भाई पृथ्वीराज के साथ सैनिक स्कूल कजहाकुटम में पूरी की। वहाँ पढ़ाई के दौरान वह टेनिस टीम के कप्तान थे। उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतियोगिताओं